हाय एवरीवन हेलो जी हेलो 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 अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आई एम होपिंग आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल स्वागत है आप सबका महाप्रलय क्राज कोर्स में महाप्रलय क्राज कोर्स की एक और क्लास में जिसके अंदर हम लोग एक ऐसा छोटा सा चैप्टर निपटाने वाले हैं जो आपकी केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है जिसका नाम है एटम्स एक ऐसा चैप्टर जो मैं तुम लोगों को प्रीवियस या क्वेश्चंस के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ दो घंटे में कंप्लीट करवा सकती हूँ बिल्कुल डिटेलिंग में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नीट के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और उसको छोड़ा जाए अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू हेलो जी हेलो 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 वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आई एम होपिंग आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल आइए स्वागत है आप सबका एटम्स के बच्चों इस चैप्टर में एक ऐसा चैप्टर जिसके ऊपर एक या फिर दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट के एग्जाम में जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो ये तुम्हारी पी वाई क्यू एनालिस है तो पिछले दस सालों में किस साल में एटम्स के ऊपर कितने क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं तो तुम देख पा रहे हो कि इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना तो वो जो मार्क्स हैं वो बिल्कुल फ्री के मार्क्स हो जाते हैं जैसे थर्मो भी तुम्हारे दो चैप्टर्स में है वैसे एटम्स भी तुम्हारा दो चैप्टर्स में तो यहाँ से तुम लोग फ्री के मार्क्स लेके जा सकते हो तो मुझे तुम्हारे चाहिए दो घंटे इन दो घंटों में मैं पूरे के पूरे चैप्टर को कम्पलीट करवा दूंगी और आ, साथ साथ में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो पी वाई की उसकी हेल्प से करवा दूंगी ठीक है ना फिर हम लोग क्या करेंगे फिर हम लोग मिलेंगे बच्चों तीन बजे के हमारे प्रैक्टिस सेशन में और इसके अंदर हम लोग अगेन नाइनटी मिनट्स में सिक्सटी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ये जो क्वेश्चन है फिजिक्स की टॉप बुक्स में से आ रहे हो

कि ये जो चैनल है वो सिंगल स्टॉप सोल्यूशन है आपके फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायो का फिजिक्स की भी सीरीज़ चल रही है बायो की भी सीरीज़ चल रही है केमिस्ट्री की भी सीरीज़ चल रही है और बहुत ही जल्द आपकी ये जो टीम पी है वो आने वाली है इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर ट्वेंटी ऑफ मार्च को छः बजे उद्भव के इवेंट में जो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा जो एक ऐसी चीज़ होगी जो तुम्हारी जो पी टीम है पहली बार करेगी तुम सबके लिए ऑब्वियस ही बात है जितनी भी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं नीट एस्पिरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू सही है ठीक है तो उसको बिल्कुल मत मिस कीजिएगा बच्चों होली के पहले वाला सेशन है उसमें हम लोग खूब मस्ती करने वाले हैं होली सेलिब्रेट करें करेंगे गाने होंगे शायरियाँ होंगे मतलब मजा आएगा है ना तो सेशन को मत मिस करना वो ऑलरेडी सेशन स्केड्यूल हो चुका है तुम लोग क्लास के बाद में चेक कर सकते हो बाकी अभी बच्चों अगर मैं ये वाली क्लास की बात करूँ तो फिजिक्स के महाप्रलय राष्ट्र कोर्स में हम लोग पूरी की पूरी फिजिक्स को थर्टी डेज़ में कम्प्लीट करने वाले हैं ये पाँचवीं क्लास है बहुत ही छोटू से चैप्टर के ऊपर जिसको हम लोग आज कम्प्लीट करेंगे हमारी सुबह सात बजे क्लासेस होती है के लिए। और अब की बार मैंने क्या किया ना मैंने क्लासेस को मॉडिफाई किया है कि अभी हम लोग क्लासेस के अंदर ही प्रीवियस प्रीवियसर क्वेश्चन हमारे निपटा देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ द चैप्टर डिपेंड करता है कितने पीवाई क्यूज निपटा पाएंगे क्या हम सारे निपटा पाएंगे या हम कुछ सिलेक्टेड निपटा पाएंगे है ना क्योंकि जो कुछ भी रह जाता है वो हमारे तीन बजे वाले प्रैक्टिस सेशन में कवर हो जाता है और हर uh, संडे को बारह बजे तुम्हारा टेस्ट हुआ करेगा तुम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि दी हमारा ना किसी एक्स वाई जेड में टेस्ट होता है तो आप बारह बजे टेस्ट मत रखो क्योंकि होता ही ये था पचास मिनट का टेस्ट होता था तो बारह मिनट के ऊपर शुरू बारह बजे शुरू होता था और बारह पचास पर ख़त्म हो जाता था इसकी वजह से बच्चों को काफ़ी दिक्कत आ रही थी तो मैंने इसका ना टाइम बच्चों एक्सटेंड करवा दिया है कि अब ना तुम लोगों को बारह घंटों की विंडो मिलेगी मतलब तुम मानो संडे को दोपहर के बारह बज चुके हैं तो रात के बारह बजे तक ये जो टेस्ट देने की विंडो है वो ओपन रहेगी तुम सबके लिए तो तुम अपने हिसाब से कभी भी टेस्ट दे सकते हो ठीक है और जो टेस्ट का सोल्यूशन है तुम लोगों ने बोला था कि दी, हमें टेस्ट का सोल्यूशन भी चाहिए आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दी डिटेल्ड सोल्यूशन वेदर आई कैन प्रोवाइडर की डेफिनेटली तुम्हारी प्रोवाइड करवा सकती हूँ तो ये जितने भी आंसर कीज है जितने भी डीपीपीज है जितने भी पीडीएफ हैं क्लास नोट्स हैं सारे के सारे आपको इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेंगे जिसके ऊपर एक लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा ठीक है तो अभी बच्चों फिर शुरू करते हुए हमारे आज के सेशन को फटाफट से मंदिर में आ गए हैं तो घंटी बज जाए मेरे सेशन में आ गए हैं तो फटाफट से लाइक हो जाए नॉट स्टार्टिंग बिफोर थ्री थाउजेंड लाइक्स फटाफट से एवरी वन सेशन है ना जैसे तीन हजार लाइक्स हो जाते हैं मुझे कोई बच्चा मैसेज कर देना और फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे माना आज इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है लेकिन फिर भी इतने कम लाइक like से मैं शुरुआत नहीं कर सकती माना डुबल नेचर नहीं है माना सेमीकंडक्टर्स नहीं है फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइक करेंगे ताकि हम लोग हमारी आज की इस क्लास की शुरुआत कर पाए ठीक है मेरा आ, मैं कल से बच्चों की माइक लगा के आऊंगी ठीक है कुछ कुछ बच्चों को वॉल्यूम में इशू आ रहा था तो कल से ये माइक लगा के आऊंगी आज आज के दिन तुम लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि कुछ ही स्टूडेंट्स को दिक्कत है मैं भी सौ में से दो तीन बच्चों को दिक्कत हो रही है तो तुम्हारे लिए जो प्रॉब्लम है कल के क्लास से फिक्स हो जाएगी ठीक है चलिए तो शुरू करते हैं फिर बच्चों <laughs> क्या दी अरे यार मजाक कर रही हूँ <laughs> मजाक कर रही हूँ यार ऐसे ऐसे बोलने को बोलते हैं यार सिर्फ बोलने को बोलते हैं, क्लास ऐसे थोड़ी कि क्लास क्यों नहीं हुई रीज़न ये था बच्चों मस्ती है इस शानदार क्लास को जिसके अंदर हम लोग एटम को मात्र दो घंटों में कंप्लीट करने वाले हैं ठीक है चलिए तो सबसे पहले अगर मैं तुम्हें बता दू ना कि बेसिकली ये चैप्टर है क्या तो इस चैप्टर में सबसे पहले ना मतलब

ठीक है और फिर बाद में मैं तुम्हें इसके ऊपर प्रीवियस ए क्वेश्चन कराऊंगी फिर हम लोग बोहर मॉडल ऑफ एटम के ऊपर जाएंगे बोहर मॉडल ऑफ एटम के बच्चों पॉस्टूलेट्स क्या है कैसे कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन मानो एक एटम में है तो टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिफाइन किया जाता है और रिलेट किया किया जाता जाता है 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 उसके ऊपर मैं तुम्हें क्वेश्चंस कराऊंगी फिर जब ऑर्बिट में है, तो कैसे उसकी एनर्जी को डिफाइन रेडियस को डिफाइन किया जाता है विलोसिटी को डिफाइन किया जाता है टाइम पीरियड एंगुलर एंगुलसिटी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन करेंट मैग्नेटिक फील्ड इन सब के बारे में बात करने वाले हैं फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के बारे में बात करेंगे कि manu, अगर एक एक शेल से लेके दूसरे शेल तक जाता है तो कैसे एनर्जी चेंजेस होगी, उस के कितनी होगी? उस का कितना होगा? ये सब हम लोग निकालना इंट्रोड्यूस कराऊंगी स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में बात करेंगे फिर स्पेक्ट्रल सीरीज के ऊपर जो क्वेश्चन मैं चार लेके आई हूँ ईयर क्वेश्चन उसके बारे में बात करेंगे फिर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बताऊंगी और कैसे एक इलेक्ट्रॉन जब एक एटम में है तो हम उस से उससे एसोसिएट कर सकते हैं डीब वेव उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं ठीक है सो आई एम होपिंग एवरी वन इज रेडी फॉर टू क्लास एवरी वन इज फाउंड फॉर टू क्लास एंड विदाउट एनी फर्दर रेडू लेट एस बिगिन विद द क्लास नौ बजे तक ये क्लास चलेगी नौ बजे तक हम लोग इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से रफा दफा कर देंगे ठीक है अगर यही वाली क्लास में मैं तुम्हें तो बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगी तो प्रैक्टिस सेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा तो पी वाई के उस करा दूंगी गिने चुने पाँच छः और क्वेश्चन करा दूंगी और सारी की सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस वह जो हमारे तीन बजे वाले सेशन में होगी ठीक है तो शुरू करते हुए हमारे बच्चों आज की क्लास को जिनकी भी तरफ से वॉइस का इशू है प्लीज अपनी तरफ से वॉइस बढ़ाइए मेरी तरफ से इशू होता तो सबको इशू होता अपनी तरफ से वॉइस बढ़ा लो या फिर अपने डिवाइस को चेंज कर लो किस डिवाइस से तुम लोग क्लास अटेंड कर रहे हो आज के लिए कल से मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकती हूँ कि माइक पहन के बैठ जाऊंगी ठीक है चलिए तो शुरू करते हुए बच्चों तो सबसे पहले तो आ जाता है बच्चों हमारा जे जे थॉम्सन मॉडल है ना तो जे जे थॉम्सन मॉडल सबसे पहला मॉडल था दैट इज द रीजन इसके बारे में बात की जाती है क्योंकि देखो कोई अगर नींव रखता है ना तो ऑब्वियसली बात है उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है ठीक है जैसे कि अगर मानो आ, मैं बात करूँ अस से मैनी लैम की बात करूं तो उनके बारे में बात क्यों की जाती है दैट इज द रीजन ही वाज़ द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून है ना तो इस तरीके से जो पहली बार कोई चीज करता है ना तो उसकी बहुत वैल्यू होती है क्योंकि उसने एक चीज की शुरुआत कर दी तो वैसे जो जे जे थॉमसन ऑफ मॉडल है माना आज हमारे अंदर जितनी नॉलेज है एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम को लेके उसके हिसाब से इन्होंने जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया है इतना कुछ बढ़िया नहीं था लेकिन इन्होंने नींव रख दी इन्होंने क्या बोला कि एक एटम के अंदर अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होता है नेगेटिव चार्ज भी होता है जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉन्स की वजह से होता है जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है तो ये प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से अरेंज्ड हो गए जैसे तरबूज के अंदर बीज होते हैं जैसे अगर तुमने तरबूज देखा हो तो एक तो रेड कलर का पोर्शन होता है जो कि मेजोरिटी वाला पोर्शन है और उसके बू, और उसके बीच में ऐसे काले काले बीज आते हैं तो जे जे थॉमसन ऑफ मॉडल को वाटर आ, वाटर मॉडल वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है और प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है क्योंकि इन्होंने ये बोला कि जैसे रेड कलर के वाटरमेलन के फ्लैश के अंदर नॉट फ्लैश बट उस सब्सटेंस के अंदर ऐसे काले बीज होते हैं वैसे ही पॉजिटिवली चार्ज कोर के अंदर इस तरीके से नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है एम्बेडेड होंगे जैसे कि ये देखो ये यहाँ पर मेरे पास नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ये इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है एम्बेडेड है अब आज हम हमें जितनी नॉलेज है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में ऑफ कोर्स ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है दैट वाज नॉट करेक्ट लेकिन इन्होंने सबसे पहली बात की इन्होंने सबसे पहली बात की कि भाई जो मेरे पास एटम होता है न्यूट्रल होता है ठीक है जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है तो ये बातें भी पहली बार बोलना बहुत बड़ी बात है है ना बाकी फिर बाद में इनकी थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया क्योंकि इस मॉडल ऑफ एटम से हम एटम की किसी भी प्रॉपर्टी को कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कर नहीं पा रहे थे ये हो गया जे जे थॉमसन ऑफ मॉडल ठीक है फिर मेरे पास आ जाता है बच्चों रदरफोर्ड का मॉडल ठीक है तो रदरफोर्ड ने भी एक मॉडल दिया था क्या मॉडल दिया था मैं बताऊंगी सबसे पहले बात करते हैं कि रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था वो आ, मतलब वो रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था वो बेसिकली किस एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है तो राधा फोर्ड ने जो मॉडल दिया था वो बेस्ड है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पे जिसको प्रपोज किया था राधा फोर्ड ने कि अगर ऐसा हो जाए तो लेकिन एक्चुअली में जो परफॉर्म किया गया था ना ये एक्सपेरिमेंट वो राधा फोर्ड के स्टूडेंट से था इनके स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया था ये एनसीआर में लिखी हुई लाइन है दैट इज द रीजन मैं तुम्हें बता रही हूँ डुअल नेचर में भी बताई थी तो यहाँ पर क्यों छोड़ूंगी बाकी एनसीआर हाइलाइट्स में तुम लोगों को ऑलरेडी दे चुकी हूँ अपने टेलीग्राम के ऊपर है ना तो ये जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है जिसके ऊपर रदरफोर्ड मॉडल बेस्ड था तो इसको प्रपोज किया था कि ऐसा होना चाहिए ठीक है ये प्रपोज किया था राधा फोर्ड ने लेकिन एक्चुअली में जो परफॉर्म किया है वो उनके स्टूडेंट्स ने किया है एक हो गए गीगर और दूसरे हो गए हमारे मार्स्टर तो सबसे पहले एक बार जरा सा बात कर लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या है क्योंकि इसी एक्सपेरिमेंट की कुछ ऑब्जर्वेशन हैं और इन्हीं ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड जो राधा फोर्ड है उन्होंने अपना मॉडल ऑफ एटम दिया था तो बच्चों देखो ये ना बहुत ही लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग है अगर मानो तुम्हें जानना है अगर मानो तुम्हें ये सोचना है कि मैं आ, क्या एक्सपेरिमेंट करूं, तो सबसे पहला थॉट ये होना चाहिए आप करना क्या चाहते हैं वो एक्सपेरिमेंट करके व्हाट डू वॉन्ट टू अप्रूव वट यू वॉन्ट टू शो व्हाट डू वॉन्ट टू डिसअप्रूव बट वट डू यू वॉन्ट टू डू वट इज द इंटेंशन बिहाइंड यू कंडक्टिंग दैट एक्सपेरिमेंट तो ऑबियस बात है रदरफोर्ड बेसिकली ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम जानना चाहता था कि एटम के अंदर क्या चल रहा है क्योंकि तुम देखो अभी तुम लोग मुझे देख पा रहे हो बिकॉज डेफिनेटली मेरा जो साइज है है काफी बड़ा इन कम्पेरिजन टू दी साइज ऑफ एटम तो जो हमारी आंखों का रेजोल्यूशन है इतना नहीं है एटम देख पाए लेकिन तुम्हारी आंखों का इतना रेजोल्यूशन है मुझे देख पाए तो रदरफोर्ड के दिमाग में ये हलचल थी कि भाई मैं जानना चाहता हूँ एटम के अंदर हो क्या रहा है तो उन्होंने क्या किया ना एक गोल्ड शीट ले ली और गोल्ड शीट भी क्यों ली इसीलिए नहीं क्योंकि वो ऐसे हवा दिखाना चाहते थे कि भाई देख लो मैं तो साइंटिस्ट हूँ इतने पैसे कमाता हूँ ये देखो मेरे पास गोल्ड की हेल्प से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ नहीं उन्होंने गोल्ड इसीलिए लिया क्योंकि गोल्ड ना बहुत ही पतली शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है तुम लोगों ने क्लास टेंथ में भी किया होगा दैट गोल्ड इज एक्सट्रीमली डक्टाइल एज वेल एज मिलिएबल मतलब गोल्ड को मैं बहुत ही पतली वायर्स पतली और लंबी वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ और बहुत ही थिन शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ तो मतलब गोल्ड को उन्होंने एक ऐसा गोल्ड का शीट लिया जो इतना ज्यादा थिन था इतना ज्यादा थिन था मतलब बच्चों मोलिकुलर लेवल के ऊपर थिन था मोलिकुलर लेवल समझ लो कि इतना थिन गोल्ड फॉइल है कि मानो उसके अंदर इस तरीके से सिर्फ तीन चार गोल्ड के आइटम्स हैं या फिर मानो ऐसे आ, कुछ दस पंद्रह गोल्ड के आइटम्स हैं या फिर तुम सौ दो सौ गोल्ड के आइटम्स ले लो तुम समझ पा रहे हो उस लेवल के ऊपर इतना पतला पत्त, इतना पतला उन्होंने गोल्ड फॉइल ले लिया सो बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द गोल्ड बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द गोल्ड टू बी कन्वर्टेड इन वेरी थिन शीट्स उन्होंने गोल्ड को लिया और अब इन्होंने क्या सोचा ना जैसे राधा का थॉट प्रोसेस ये था मैं ऐसा करूंगा कि जो गोल्ड है उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स गिराऊंगा और फिर देखूंगा क्या होगा ये उनका थॉट प्रोसेस था कि मैं अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल के ऊपर गिराऊंगा और फिर देखूंगा क्या होगा उन्होंने न्यूट्रॉन्स क्यों नहीं गिराए क्योंकि वो जानना चाहते थे कि आ, आ, अगर मानो ये गोल्ड फॉइल के बने हुए हैं उसके अंदर कहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है कहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो वो सिर्फ रिपल्शन और अट्रैक्शन को ही कंसिडर करके या फिर ऑब्जर्व करके पता कर सकते थे ना वो दैट इज द रीजन इन्होंने सबसे छोटा चार्ज लिया जो पॉसिबल है तो ऑब्वियसली बात है प्रोटोन थोड़ी लेंगे न्यूक्लियस को तोड़ेंगे वहां से एक प्रोटोन निकालेंगे ऐसा थोड़ी तो इसीलिए उन्होंने क्या किया अल्फा पार्टिकल लिया अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है अल्फ़ा पार्टिकल होता है बच्चों हमारे डबली आयरनाइज हीलियम न्यूक्लियस मतलब मानो मेरे पास इस तरीके से एक हीलियम का आइटम है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था ये उसका न्यूक्लियस है अब मानो अगर ये इलेक्ट्रॉन भी चला जाए और ये इलेक्ट्रॉन भी चला जाए तो बस मेरे पास एक हीलियम न्यूक्लियस बचेगा जिसके ऊपर टू पॉजिटिव का चार्ज है दिस इज एन अल्फा पार्टिकल तो अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर चार्ज हो गया पॉजिटिव टू ई और मास हो गया फोर टाइम्स ऑफ एम वेर एम एम इज द मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन बात है, हमें में नहीं जाने, लेकिन की है पिछले दो साल में थोड़ी सी भी, भी नहीं, तो तुम्हें तुम कलेक्टिवली दो साल में अगर दो सौ घंटे भी पढ़े हो तो तुम्हें पता होगा कि जो हीलियम है इसके अंदर चार न्यूक्लियॉन्स होते हैं दो प्रोटॉन्स होते हैं दो न्यूट्रॉन्स होते हैं तो अगर मानो इन सबके मास को मैं एम मान लू तो इसका जो मास है मेरे पास फोर एम आता है तो उन्होंने बिस्मत का न्यूक्लियस लिया क्योंकि बिस्मत का न्यूक्लियस रेडियो एक्टिविटी शो करता है तो बिस्मत के न्यूक्लियस ने रेडियो एक्टिविटी शो की यहाँ से उसने अल्फा पार्टिकल्स दिए अब ये अल्फा पार्टिकल्स गिरेंगे गोल्ड फॉइल के ऊपर ऑब्वियसली बात है कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड चले जाएंगे कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं बिल्कुल छोटे से एंगल से डिफ्लेक्ट होंगे कुछ अल्फा पार्टिकल्स बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट होंगे और कुछ अल्फा पार्टिकल्स है जो इस तरीके से बाउंस बैक करके आ जाएंगे तो ये प्रपोज किया था राधा फोर्ड ने कि यार अगर मानो मैं अल्फ़ा पार्टिकल्स को एक गोल फॉइल पे गिराता हूँ तो क्या क्या हो सकता है या तो अनडिफ्लेक्टेड चला जाएगा या छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट होगा या बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट होगा या फिर बिल्कुल बाउंस बैक करके आ जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है कि आप देखोगे ना क्योंकि आपको अल्फा पार्टिकल दिख थोड़ी रहा है सो हाउ केन यू से और हाउ वुड यू हाउ वुड यू बी एबल टू से ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स है अनडिफ्लेक्टेड जा रहे हैं या फिर आ, या फिर तुम ये कैसे बोलोगे कि ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं कुछ अल्फा पार्टिकल्स है जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो इसीलिए पर इस एक्सपेरिमेंट में एक एक शीट ली गए, एक स्क्रीन ली गई गई स्क्रीन स्क्रीन जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी द रीजन बींग जैसे जिंक सल्फाइड के ऊपर एक अल्फा पार्टिकल आके गिरता था ना वहां पर एक ग्लो आता था वहां पर एक कलर आता था वहां पर एक लाइटनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता था तो मानो अगर ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पर आके गिर रहे हैं कि देखो ये बिस्मत के न्यूक्लियस ने रेडियो एक्टिविटी शो की यहाँ से अल्फा पार्टिकल आके गोल्ड फॉइल के ऊपर गिरे मानो वो जो अल्फा पार्टिकल्स है अनडिफ्लेक्टेड जाते हैं और मानो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड जाते हैं तो मतलब यहाँ पर जो ग्लो होगा सबसे ज्यादा होगा तो तुम समझ रहे हो ये थॉट था रदरफोर्ड का और इसी थॉट के बेसिस के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो उनके स्टूडेंट ने परफॉर्म किया जो कि यह हो गए हमारे गिगर और मांसडन तो देखो अभी इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि भाई ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स है अनडिफ्लेक्टेड जा रहे हैं कि मानो यहाँ पर बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल के ऊपर गिर रहे हैं तो ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है अनडिफ्लेक्टेड जा रहे हैं और ये जायज़ की बात भी होनी चाहिए कि अगर मानो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड जा रहे हैं इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा पार्टिकल को रो रोकने और टोकने वाला कोई नहीं था और ये चीज़ तो हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि मोस्ट ऑफ़ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी हम नहीं जानते कि मानो अगर मैं एक न्यूक्लियस की बात करूं ठीक है तो न्यूक्लियस का रेडियस होता है टेन रेस्टोपार माइनस फिफ्टीन मीटर के टर्म्स में और जो हमारी ऑर्बिट का रेडियस होता है वो होता है टेन रेस्टोपार माइनस टेन मीटर के टर्म्स में मतलब मानो अगर न्यूक्लियस का रेडियस वन मीटर है ध्यान से सुनना अगर न्यूक्लियस का रेडियस वन मीटर है तो इसका मतलब हमारे यहाँ पर जो एटम है उसका जो रेडियस है उससे टेन पर फाइव टाइम्स गुना ज़्यादा है

तो तुम मान रहे हो कि यहाँ पर मानो ये मेरे पास अल्फा पार्टिकल आ गए जिसका मास है इतना अब मानो अगर ये इलेक्ट्रॉन से भी टकराता है तो इलेक्ट्रॉन हमारे छोटू से भैया है इसका मास टेन रेस्टोपार माइनस थर्टी वन में है है ना इसका मास मेरे पास टेन रेस्टोपार माइनस ट्वेंटी सिक्स में हो जाएगा फोर टाइम्स ऑफ टेन रेस्टोपार माइनस मतलब तुम समझो टेन रेस्टो पार माइनस ट्वेंटी सिक्स के जी में हो जाएगा तो अगर मानो ये अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से टकराता है तब थोड़ी इसको कुछ भी होगा तो यहाँ पर ये बोला गया है कि अल्फ़ा पार्टिकल बहुत वन परसेंट अल्फ़ा पार्टिकल्स या फिर आई कैन से बहुत कम अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं या फिर I, जैसे मेजोरिटी अल्फ़ा पार्टिकल्स तो अनडिफ्लेक्टेड चले गए अब कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं जो डिफ़्लेक्ट तो हो रहे लेकिन बहुत ही छोटे एंगल के ऊपर तो एक कोलिजन की वजह से नहीं हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सेंटर के ऊपर कोई चीज़ बैठी हुई है जो इसको रिपेल कर रही है कि अगर मानो पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल जा रहा है तो ये किसी से कोलाइड नहीं कर रहा लेकिन इस तरीके से छोटे एंगल से डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन शो कर गया कभी भी ऐसे नहीं डिफ्लेक्शन शो करता है कि मानो अगर यहाँ पर मेरे पास इस तरीके से न्यूक्लियस है कभी भी ऐसे नहीं डिफ्लेक्शन शो करेगा हमेशा ऐसे डिफ्लेक्शन जो करेगा तो इससे हम लोगों ने ये डिड्यूस किया कि जरूर स्टक, जरूर आटम के ऐसे है, जिनका जो डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन है वन डिग्री के आसपास होता है तो ये जो डिफ्लेक्शन है किसी भी तरीके की कुलीजन की वजह से नहीं है ये डिफ्लेक्शन इसीलिए है क्योंकि एटम के सेंटर के ऊपर कोई ऐसी चीज बैठी है जो अल्फा पार्टिकल

डू यू ऑल रिमेंबर कि मानो इस तरीके से बड़ी सी बॉडी आए मानो ये बड़ी सी बॉडी हो बहुत बड़ी बॉडी है इसका मांस बहुत ज़्यादा है और ये रेस्ट के ऊपर है अब मानो यहाँ पर इस तरीके से एक छोटी सी बॉडी आती है यू की विलोसिटी से है ना अभी इसे टकराएगी तो बड़ी वाली बॉडी को कुछ नहीं हुआ और ये जो छोटी वाली बॉडी है इतनी ही स्पीड के साथ बाउंस बैक कर जाएगी अगर तुमने वर्क एनर्जी पावर में ये किया हो तो मैं बस उस कंसेप्ट की हेल्प से तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग को और इनक्रीज कर सकती हूँ अगर नहीं किया है तो जितना मैं बोल रही हूँ उतना भी सफिशियंट है कि भाई ये अल्फा पार्टिकल अगर एटम से टकराते हैं और इतना बड़ा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन शो करते हैं मतलब ये जिससे टकरा रहे हैं वो बहुत ज्यादा भारी है तो ये ऑब्जर्वेशन थी कि आठ हजार में से एक पार्टिकल भले मतलब इतने कम पार्टिकल्स ऐसा शो कर रहे हैं इसका मतलब एक एक तो there are two things. एक तो में से एक ही पार्टिकल ऐसा शो कर रहा है और जब वो शो कर रहा है इतना बड़ा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन शो कर रहा है मतलब डेफिनेटली अल्फा पार्टिकल जिससे टकरा रहा है उसका मास बहुत ज्यादा है लेकिन वो बहुत छोटा है तो ये थी तीसरी ऑब्जर्वेशन और तीसरा कंक्लूजन कि भाई अल्फा पार्टिकल जिससे भी टकरा रहा है उसका मास बहुत बड़ा है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं तो ये थे हमारे ऑब्जर्वेशन और ये थी उसके बेसिस के ऊपर कंक्लूजनस तो राधाफोड मॉडल ऑफ एटम बेसिकली यही था उन्होंने क्या बोला उन्होंने बोला कि भाई इतनी सारी ऑब्जर्वेशन को देख के मुझे ये लग रहा है कि बीच में एक ऐसा पार्ट होता है मतलब एटम के बीच में एक ऐसा पार्ट होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होगा और जहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द मास ऑफ द एटम कंसंट्रेटेड होगा उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं रिवॉल्व करेंगे उन्होंने एक बहुत ही बेसिक मॉडल दे दिया ये बेसिक मॉडल दे दिया अब इस मॉडल को देखो खारिज क्यों किया गया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं प्रॉपर्टी ऑफ एन आइटम बोल सकती हूँ तो सारे की सारी प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम सिर्फ इन तीन चीजों से डिफाइन नहीं होती कि बीच में एक बहुत बड़ा मास बीच में एक बहुत पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट है और उसके इर्द गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है रिवॉल्व कर रहे हैं है ना उन्होंने कोई ऐसे बात नहीं की जैसे कि अगर मानो वो बोल रहे हैं कि इर्द गिर्द उनके सर्कुलर ऑर्गिट ऑर्बिट के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन तो इसका मतलब कैसे भी रिवॉल्व कर सकता है ऐसे कर सकता है यहाँ पर कर सकता है यहाँ पर कर सकता है लेकिन हम जानते हैं ना बोहर मॉडल ऑफ एटम क्या बोलता है बोहर मॉडल मॉडल ऑफ आइटम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एवं नहीं किसी के अराउंड भी रिवॉल्व करता ऐसे नहीं वो किसी को भी ऑर्बिट बना लेगा इलेक्ट्रॉन सिर्फ स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और वो स्टेबल ऑर्बिट वो है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम एच डिवाइडेड बाई टू पाई का मल्टीपल हो ऑल दो अभी हम लोग को बोहर में नहीं जाना है बट आई एम जस्ट मेकिंग ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड कि जो रदरफोर्ड रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है ठीक है वो पहला एक ऐसा मॉडल था जिसने सही बातें करनी शुरू की कि बीच में बहुत ही ज्यादा मास पॉजिटिव चार्ज कंसेंट्रेटेड है इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन मूव करें तो उन्होंने सारी सही बातें की बात बस ये उन्होंने अधूरी बात की उन्होंने बोला सच लेकिन अधूरी चीज बोली तो बात है अधूरी चीज़ को फिर पूरा किया गया बोहर मॉडल ऑफ अब मैं तुम लोगों को थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन दिखाती हूँ जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ आइटम से एसोसिएटेड है जैसे सबसे पहले आ जाता है कंसेप्चुअल चीज इम्पैक्ट पैरामीटर की ध्यान देना सबसे पहले इम्पैक्ट पैरामीटर समझ लो तो इम्पैक्ट पैरामीटर बेसिकली ये है कि मानो मेरे पास इस तरीके से ये न्यूक्लियस है ध्यान देना बच्चों ये कंसेप्चुअल है नेक्स्ट वाला जो हमारा सब टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वो मैथमेटिकल है मानो मैं तुम्हें बोलूं कि भाई ये मेरे पास गोल्ड का न्यूक्लियस है गोल्ड का न्यूक्लियस इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि हम इसके बारे में बात ही इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ ऑब्वियस ही बात है कि इस गोल्ड न्यूक्लियस के ऊपर जो हमारे अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं आके गिरेंगे अल्फा पार्टिकल्स आकर गिरेंगे तो मानो अगर मैं ये वाले अल्फा पार्टिकल की बात करूँगी ये वाला जो अल्फा पार्टिकल है ना इस तरीके से गोल्ड न्यूक्लियस के पास ट्रैवल कर रहा है तो अभी तुम क्या करोगे तुम इससे एक ऐसी पैरेलल लाइन बनाओगे जो गोल्ड के सेंटर को गोल्ड के न्यूक्लियस को सेंटर से कट करते हुई जाए बच्चों में तुम्हें तो हर क्लास में बोलते हूँ प्लीज स्पैमर्स को इग्नोर किया करो और इग्नोर भी छोड़ो स्पैमर्स को ओवर पावर किया करो जरूरी नहीं है हर कमेंट जो तुम्हें लग रहा है पढ़ने वाले बच्चे का है पढ़ने वाले बच्चों का हो पढ़ने वाला बच्चा कभी भी टॉपिक से अनरिलेटेड बात नहीं करता है तो स्पैमर्स को ओवरपावर करोगे कैसे टॉपिक से एसोसिएटेड बात करके है ना तो इम्पैक्ट पैरामीटर देख लो फटाफट से क्या है कि मानो अगर मेरे पास ये अल्फा पार्टिकल है जो ऐसे ट्रैवल कर रहा है मतलब दिस इज द लाइन ऑफ द वेलोसिटी इससे पैरेलल में एक ऐसी लाइन बना दो जो सेंटर ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस को कट कर रही हो बस इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना देखना एक बार जरा सा इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है अल्फा पार्टिकल ऐसे आ रहा है तो तुम देख पा रहे हो अल्फा पार्टिकल का जो लाइन ऑफ मोशन है लाइन ऑफ वेलोसिटी है ये है अब मैं बोल रही हूँ इसके पैरेलल एक ऐसी लाइन बनाओ बच्चों जो सेंटर ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस को कट करते हुए जा रही हो तो ये देखो मैंने इसके पार्लल में एक ऐसी लाइन बनाई जो सेंटर ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस को कट करते हुए जा रही है है कि नहीं तो यहाँ पर ये जो है ना बस यही मेरा इम्पैक्ट पैरामीटर है लेट मी रिपीट माई सेल्फ वन मोर टाइम मानो मैं बोलूंगी भाई मेरे पास एक अल्फा पार्टिकल है मानो अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस के पास ऐसे आ रहे हैं सो दिस इज द लाइन इन विच द अल्फा पार्टिकल इज ट्रेवलिंग अब इसी के पैरेलल में एक ऐसी लाइन खींच जो खींच दो जो सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस को कट करते हुए जा रही हो तो यहाँ पर तो यही होगी तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि भैया जी यहाँ पर तो जो हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर है ज़ीरो है इम्पैक्ट पैरामीटर ज़ीरो है इसका मतलब ये जो मेरे पास अल्फा पार्टिकल है ऑन कोलिजन शो करेगा बिल्कुल सर से सर भिड़ जाएंगे यहाँ पर ऑन कोलिजन शो करेगा तो ऑब्वियस बात है जिस तरीके से गया था उसी तरीके से वापस भी आ जाएगा कि मानो अगर अल्फा पार्टिकल ऐसे गया था तो अल्फा पार्टिकल इस तरीके से वापस भी आ जाएगा मतलब यहां पर जो डिफ्लेक्शन है मुझे 180 डिग्री देखने को मिलेगा ऐसा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पिछले दस सालों में नहीं है तो मैं लेके नहीं आई हूँ लेकिन ऐसा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तुम्हें स्टेटमेंट्स में बच्चों फंसना ही नहीं है कौन वहां पर तुम्हें डिफाइन करने को बोल रहा है बाकी डिफाइन करना मुश्किल भी नहीं है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिट्वीन द लाइन ऑफ मोशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल एंड लाइन पैरल टू इट पासिंग थ्रू देंटर ऑफ द न्यूक्लियस दैट इज इट दैट इज द इम्पैक्ट पैरामीटर ठीक है तो मैं यहाँ पर देख पा रही थी कि ये वाले अल्फा पार्टिकल के लिए

अब की बार मानो बच्चों में बोलूँ कि इस तरीके से ना एक अल्फ़ा पार्टिकल बहुत दूर से ट्रैवल कर रहा है ध्यान से देखना कि बहुत दूर है ये हमारे न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर है तो ये तो होगी वो वाली लाइन जो जिस लाइन में अल्फ़ा पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है ये होगी लाइन उसके पैरेलल जो सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस को कट कर रही है देखना एक बार तो इन दोनों के बीच में तुम देख पा रहे हो इन्फानाइट डिस्टेंस है देखो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इन्फानाइट है तो डिस्टेंस इन्फानाइट है तो भैया की डिफ्लेक्शन ही नहीं होगी ना देखो ना डिफ्लेक्शन क्यों होंगे फिर डिफ्लेक्शन होती क्यों हो है तुम खुद देखो ना क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर है नहीं डिफ्लेक्शन इसीलिए हो रही है क्योंकि अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, है ना जैसे कि मानो अगर मैं इस न्यूक्लियस की बात करूँ तो मानो अगर यहाँ पर ऐसे अल्फा पार्टिकल आ रहा होता ऐसे जाता ऐसे जाता भिड़ जाता दोबारा से वापस आ जाता तो जब इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू जीरो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डिग्री अब मैं न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर कर दूं मैं अल्फा पार्टिकल को क्योंकि मानो अल्फा पार्टिकल ऐसे है तो अब की बार ऑब्वियस ही बात है तुम देखो ना यहाँ पर कितना ज्यादा रिपल्शन है तो देखो कितनी ज्यादा डेविएशन हो गई अब मैंने थोड़ा और दूर कर दिया अल्फा पार्टिकल को तो ऑब्वियस बात है रिपल्शन अब भी है लेकिन उतनी नहीं है तो डिफ्लेक्ट अब भी होगा लेकिन अल्फा पार्टिकल को और दूर कर दिया तो रिपल्शन नहीं है, reason, इतनी नहीं है। और उसी तरीके से अल्फा पार्टिकल को बिल्कुल इस तरीके से इन्फानेट डिस्टेंस के ऊपर कर दूं तो इसके ऊपर किसी भी तरीके का रिपल्सिव फोर्स नहीं लगेगा रिपल्सिव फोर्स ही नहीं लगेगा तो फिर यहाँ पर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन मुझे जीरो डिग्री देखने को मिलेगा बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है ये कोई यहाँ पर न्यूमेरिकल में तुम लोगों को नहीं जाना है जितना मैंने तुम्हें बताया दैट इज सफिशियंट इवन इफ यू वांट टू मेक श्योर कि अगर तीन क्वेश्चन भी पूछे जाए यहाँ से तो तुमसे बन जाए ऑल दो बहुत कम चांसेस है यहाँ से तीन क्वेश्चन पूछे जाने के अगर समझ आ चुका है तो बच्चों सारे के सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक कर देंगे और अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले टॉपिक के ऊपर जो कि हम हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच तो मुझे नहीं पता कौन सा साल था लेकिन ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था दैट इफ़ द इम्पैक्ट पैरामीटर इज जीरो वट विल बी दी एंगल ऑफ़ डिफ्लेक्शन या तो ये क्वेश्चन था या ये क्वेश्चन था दैट इफ द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज 180 डिग्री व्हाट इज़ द इंपैक्ट पैरामीटर बाकी बहुत ही कंसेप्चुअल चीज़ है ये अगर तुम्हें इतना समझ आ चुका है यू विल बी एबल टू ग्रैब द मार्क्स आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम है ना तुम्हारे पास दो और आधे घंटे से ज़्यादा टाइम मुझे देने को नहीं है सो आई नीड टू बी वेरी केयरफुल विद रिस्पेक्ट टू इन दो और आधे घंटों में मैं तुम्हें क्या बता रही हूँ ठीक है चलो तो ये कंसेप्चुअल आ गया कंसेप्चुअल चीज आ गई अब मेरे पास पहली जो न्यूमेरिकल चीज आती है इस चैप्टर से एसोसिएटेड वो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और मैं तुम्हें बताऊँ ना डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का भी जो कंसेप्ट है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी से एसोसिएटेड है कि तुम देखो बच्चों गोल्ड का ये मेरे पास न्यूक्लियस है अब इतना सब बच्चे मानेंगे कि जो गोल्ड का न्यूक्लियस है मानो अगर मैं इसके एटॉमिक नंबर की वैल्यू को जेड मानूँ तो इसके अंदर जेड प्रोटॉन्स हैं Z प्रोटोन्स है मतलब इसके ऊपर जो चार्ज है वो मेरे पास आ गया पॉजिटिव जेड ई का अब दूसरी साइड से आ रहा है मेरे पास अल्फा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव टू ई का तो तुम देखो ना पहले मानो तुम अल्फा पार्टिकल को इन्फानाइट डिस्टेंस के ऊपर ले लो और मानो उसकी काइनेटिक एनर्जी है ई e. तो अगर मानो बच्चों मुझे यहाँ पर इसकी मैकेनिकल एनर्जी डिफाइन करनी हो कि भाई व्हाट इज द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल एट इन्फिनिटी तो वो मेरे पास आ जाएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी एट इन्फिनिटी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ मानो यहाँ पर इनफिनिटी को एनर्जी नहीं आता है टू, जब मैं तुम्हें पढ़ा रही का नहीं न, कोई और चैप्टर थोड़ी बीच में मैं पढ़ा सकती हूँ तो तुम यहाँ पर देख पा रहे हो मैं तुम्हें एक सिचुएशन दे रही हूँ की मानो अज्यूम की जो अल्फा पार्टिकल है अभी इस गोल्ड न्यूक्लियस इन्फानाइट डिस्टेंस के ऊपर है जिसकी एनर्जी है तो जब इन्फाइट डिस्टेंस होता है दो चार्जेस के बीच में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती ये स्टेटमेंट उन बच्चों के लिए जिन्होंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के चैप्टर को अच्छे से नहीं किया है बाकी अगर तुमने बोर्ड्स पास की है ना तो ये बहुत ही बेसिक चीज का इस्तेमाल मैं अब यहाँ पर ये है मानो ये जो अल्फा पार्टिकल है बिकॉज इसके पास काइनेटिक एनर्जी है तो मानो ये गोल्ड न्यूक्लियस को अप्रोच करने लगता है तो अभी तुम देखो ना ये जो गोल्ड न्यूक्लियस है इसको रिपेल नहीं करेगा तो ये अल्फा पार्टिकल का देखो मोशन इस डायरेक्शन में है लेकिन इस अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो रिपल्सिव फोर्स है इस डायरेक्शन में लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी कि नहीं होगी हाँ जी ये जो हमारा अल्फा पार्टिकल है इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी कि नहीं होगी क्यों क्योंकि इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लग रहा है ये बड़ा जेन्युइन है मानो आ, मैं तुम्हें बोलूँ की तुम्हारे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ठीक है तुम इस डायरेक्शन में जा रहे हो लेकिन तुम्हारे ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है तुम लोगों को रिटार्डेशन प्रोवाइड हो रहा है तुम डीएक्सिलरेट कर रहे तुम्हारी हो तुम्हारी स्पीड डिक्रीज होगी तो एक पॉइंट के ऊपर आगे जीरो भी तो होगी ना दिस इज बेसिक कानामेटिक्स अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को टेन मीटर पर सेकेंड मानूं इस डायरेक्शन में और अब मैं ऐसे एक्सेलरेशन लगा दूं तो कुछ तो ऐसा टाइम होगा जब बॉडी स्टॉप हो जाएगी तो मैं तुम्हें वही बोल रही हूँ कि ये मेरे अल्फा पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे थे अब इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगा तो धीरे धीरे डीएक्लरेट होगी तो एक ऐसा पॉइंट भी तो होगा ना बच्चों जहां पर आके वो स्टॉप हो जाएगा एक ऐसा पॉइंट भी तो होगा ना जहां पर आके उसकी स्पीड जीरो हो गई जहां पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई तो मानो, अल्फा पार्टिकल यहां पर था यहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो हो गई और मानो, ये वाले पॉइंट के ऊपर वो सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से आर नॉट के डिस्टेंस के ऊपर है इसी को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोला जाता है दैट इज इट जैसे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास आ रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है क्योंकि उसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है एक ऐसा पॉइंट आएगा जब अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी मतलब वो रेस्ट के ऊपर आ जाएगा अब देखो ये रेस्ट के ऊपर आ गया ठीक है रिपेल तो ये अब भी कर रहा है ना तो अभी इसको उल्टा दोबारा से वापस भेज देगा मतलब आई कैन से कि मुझे देखने में लगेगा कि अल्फा पार्टिकल ऐसे आया है और ऐसे चला गया है तो मुझे देखने में लग रहा है कि फिजिकल कोलिजन हो रहा है लेकिन यहाँ पर फिजिकल कोलिजन नहीं हो रहा क्या आप देख पा रहे हैं कानोमैटिक्स अभी करवाइए जो बच्चे रिपीट रिपीट बोल रहे हैं क्या करवाया है मैंने तुम्हें काइनोमैटिक्स ही तो करवा रही हूँ अगर भाई इस डायरेक्शन में डी एक्सिल मानो अगर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है छः मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है ना आई हैव दिस राइट टू एक्सप्लेन इन अ वे दैट आई हैव टॉट टू कानामेटिक्स बिकॉज आई हैव टॉ कामैटिक्स इन महाप्रले कि अगर मानो सबसे पहले बॉडी ऐसे आ रही है तो उसकी स्पीड ऐसे डिक्रीज होती जाएगी एक पॉइंट के ऊपर जीरो हो जाएगी अगर अब भी ऐसे ही डीएक्सीट करता रहे फिर इस डायरेक्शन में चला जाएगा ना इंक्रीजिंग स्पीड के साथ तो मैं तुम्हें तो यही बोल रही हूँ कि देखने में क्या लग रहा है देखने में लग रहा है अल्फ़ा पार्टिकल इन्फिनिटी से आया और ये वाले पॉइंट से वापस चला गया तो देखने में लग रहा है फिजिकल कोलिजन है लेकिन फिजिकल कोलिजन नहीं है फिजिकल कोलिजन नहीं है अल्फा पार्टिकल यहाँ से वापस चला जाएगा बट इट नेवर रियली कोलाइडेड विद द गोल्ड न्यूक्लियस तो एक ऐसा पॉइंट जहां पर स्पीड ऑफ द अल्फा पार्टिकल जीरो हो जाता है तो मानो यहाँ पर जीरो हुआ है तो इस पॉइंट के बीच में और सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है तो मानो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई इंफिनिटी के ऊपर मकैनिकल एनर्जी इतनी थी और उसी तरीके से अब मैं यहाँ पर यहाँ पर भी मकैनिकल एनर्जी लिखूं कि भाई व्हाट इज द मकैनिकल क्लोजेस्ट अप्रोच तो ये मेरे पास हो जाएगा कितना यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है प्लस कितना यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है

बाय दूसरे वाला चार्ज डिवाइडेड मैकेनिकल एनर्जी नहीं छेड़ता तो मैं बोल दूंगी कि जितनी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी थी बोले तो इन्फिनिटी के ऊपर उतनी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी है बोले तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के ऊपर तो मेरे पास आ गया ना ई की वैल्यू कितनी आ गई

अल्फा पार्टिकल अगर मानो मूव किया है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर मूव किया है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी पार्टिकल की मैकेनिकल एनर्जी को नहीं छेड़ता तो अगर मानो इनिशियली अल्फा पार्टिकल की इतनी मैकेनिकल एनर्जी थी तो बाद में भी उतनी है तो मतलब ये दोनों इक्वल है तो आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर कि जो अल्फा पार्टिकल है हमारे ऐसे आएंगे यहाँ पर स्टॉप होंगे और फिर बाद में इस तरीके से दोबारा से ऐसे चला जाएगा सो देर वॉज नो फिजिकल कोलिजन बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस सो द डिस्टेंस फ्रॉम विच इट रिवर्सेज इज इट्स पाथ बिटवीन दैट पॉइंट टू देंटर ऑफ द न्यूक्लियस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अब देखो यहां से कैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे इनके अगर किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा है तो या तो बिल्कुल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जैसे एक क्वेश्चन में तुम्हें अभी यहाँ पर दिखा देती हूँ दो हजार सोलह का क्वेश्चन है ठीक है 2000 के 2016 के क्वेश्चन में तो मैं ये बोला हुआ है कि मानो अगर अल्फा पार्टिकल का मास है एम और वो वी की वेलोसिटी से एक ऐसे न्यूक्लियस के पास आ रहा है जिस न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है इतना तो तुमसे पूछा हुआ है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैसे डिपेंड करेगा स्मॉल एम मास के ऊपर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैसे डिपेंड करेगा अल्फा पार्टिकल के मास के ऊपर नाउ आई विल बी लाइंग इफ आई से दैट यू यू हैव हैव टू टू मेमोराइज दिस ये इक्वेशन याद रखना नहीं भाई नो दी अप्रोच कि भाई जब अल्फा पार्टिकल बिल्कुल इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर था तब उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी थी और जब अल्फा पार्टिकल डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के ऊपर है तब उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है सेम है इनफिनिटी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी देखो हाफ एम वी स्क्वायर हो गई मेरे पास मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल आ गया वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के ऊपर सिर्फ उसकी पोटेंशियल एनर्जी है विच इज वन बाई फोर पाईल मल्टीप्लाइड बाई दार्ज ऑन दी अल्फा पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाई दार्ज ऑन दूक्लियस डिड बाई डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच तो तुम देखो तुमसे क्या ये 2016 का क्वेश्चन है और 2016 के क्वेश्चन पेपर को माना गए है अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे कहाँ से अच्छे हैं ये डेफिनेटली हम इसको और ज्यादा कुरेद सकते हैं हम इसके ऊपर और बात कर सकते हैं लेकिन वो हमारा नीट का लेवल नहीं बचेगा ज्यादा टाइम होता तो मैं तो करवाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को और ज्यादा कराती हूँ मैं तो उनको फॉर्मुलास करवाती हूँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो थीटा एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट होंगे लेकिन वो नीट में पूछे जाने के चांस नील हैं बस वो मुझे ज्यादा समय दे देते हैं तो मेरे पास वो ऑप्शन बच, बचता है बताने का तो तुम यहाँ पर देख पा रहे हो कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द दास तो यही पूछा हुआ है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मास के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा ऑप्शन नंबर सी आ गया एक क्वेश्चन मानो लो तुम्हारे कॉन्फिडेंस के लिए वैसे तो हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है तीन बजे लेकिन मानो तुम्हारे कॉन्फिडेंस के लिए अगर मानो मैं तुम्हें ये बोलूं कि भाई जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल की वैल्यू E थी ना डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच r0 था

कंजर्वेशन ऑफ मकैनिकल एनर्जी लगा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट को रिलेट करने हैं तो डिफाइन कीजिए क्या है किस किस तरीके से डिफाइन करेंगे ऐसे कि भाई जो मकैनिकल एनर्जी अल्फा पार्टिकल की इन्फिनिटी के ऊपर उतनी मकैनिकल एनर्जी इसकी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के ऊपर इन्फिनिटी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मेरे पास के ई ले लो और पोटेंशियल uh, एनर्जी है नहीं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के ऊपर काइनेटिक एनर्जी है नहीं और पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास आ जाती है वन बाय फोर पाइप साइलेनोट चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल चार्ज ऑन दी न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अब ना तो मैं अल्फ़ा पार्टिकल को बदल रही हूँ ना ही मैं यहाँ पर न्यूक्लियस को बदल रही हूँ ना ही मैं यहाँ पर मीडियम को बदल रही हूँ तो तुम देखो ये सारी की सारी चीजें तो सेम है तो जब ये सारी की सारी चीजें सेम है तो मैं यहाँ पर देख ही पा रही हूँ ना कि भाई जो हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कानेटिक एनर्जी है ना आई एम एबल टू सी दिस ना कि मेरे पास जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कानेटिक एनर्जी तो अगर मैंने काइनेटिक एनर्जी को चार के फैक्टर से बढ़ाया है तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच चार के फैक्टर से कम हो जाएगा दिस गिवस मी दी आंसर आई एम होपिंग किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं है ताकि अब हम लोग हमारे इस टॉपिक की शुरुआत कर सकें विच इज बोहर्स मॉडल ऑफ एटम देख लो इतना ही मैथमेटिकल पूछा जाता है ये पी वाई क्यू भी मैंने तुम लोगों को करा दिया ये आ गया हमारे पास क्या रदरफोर्ड मॉडल कि रदरफोर्ड मॉडल में ये बोला गया है कि जो मेजोरिटी स्पेस है एटम के अंदर वो खाली है एटम के बिल्कुल सेंटर के ऊपर ठीक है एक ऐसा एक ऐसी चीज होगी जो पॉजिटिवली चार्ज है और जहां पर मेजोरिटी ऑफ द मास ऑफ द एटम है जिसको बोल दिया गया न्यूक्लियस और इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर घूमते हैं तो जैसे कि मैंने बताया कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम क्यों डिस्कार्ड किया गया तो मल्टीपल रीजंस है जैसे कि मानो एक रीजन मैंने तुम्हें बताया कि जितने भी प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम है उसको वो डिफाइन नहीं कर पा रहा था है ना अधूरी बातें कि अगर आप बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर और, में के तो क्या वो किसी भी रेडियस में घूम रहा है तो क्या वो 1.2 पॉइंट टू के रेडियस में भी घूम सकता है क्या वो वन पॉइंट थ्री के रेडियस में भी घूम सकता है इन सब के बारे में रदरफोर्ड ने बातें ठीक है ना तीसरी चीज बच्चों यहाँ पर ही आ जाती है दिस इज एक्चुअली लेट मी नॉट से दिस बिकॉज ये थोड़ा सा केमिस्ट्री से एसोसिएट हो जाएगा एक और रीजन बताती हूँ ये स्टेबिलिटी ऑफ द एटम को नहीं डिफाइन कर पाए स्टेबिलिटी ऑफ द एटम के बारे में ना ये बात नहीं कर पाए दी इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला कोई फॉर्मूला नहीं इम्पैक्ट पैरामीटर का जो तुम्हें नीट के परस्पेक्टिव से एग्जाम के फोर्टी फाइव डेज पहले पढ़ना चाहिए अगर तुमने ऑलरेडी नहीं किया है तो

लेकिन नाउ दैट नॉलेज ऑफ कि एक बार जब बोहर तो कि आए तो ऐसे तो जो इलेक्ट्रॉन है अपनी एनर्जी खोता रहेगा है ना? अब तुम बोलोगे क्यों खोएगा खोएगा ही अगर जो साइंटिस्ट है वो नहीं बोल रहा है कि ये यह जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है कॉन्स्टेंट है एक शेल के अंदर तुम्हारे दिमाग में ये आता है कि इलेक्ट्रॉन अगर एक शेल में रिवॉल्व करे तो एनर्जी क्यों खोएगा उसकी एनर्जी कॉन्स्टेंट ऑलरेडी बोहर मॉडल कर चुके हो तब तक ये बातें नहीं आई थी तो बोहर ने यही बोला कि अगर ये एक न्यूक्लियस है और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ये एनर्जी लूज करेगा और एनर्जी लूज करने की वजह से धीरे धीरे जो इलेक्ट्रॉन है ये फिर न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा एनर्जी लूज कर रहा है है ना और न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट भी कर रहा है तो अट्रैक्ट करते 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 न्यूक्लियस जो है वो तो इलेक्ट्रॉन को खा जाएगा और जो अब हमारा एटम खत्म हो गया यस यस महिमा आई वाज टॉकिंग अबाउट द एमिशन स्पेक्ट्रम ओनली बट आई डोंट वांट टू मेक दिस क्लास अबाउट केमिस्ट्री इसीलिए मैं वो वो वाला पॉइंट ही नहीं बोल रही हूँ वो केमिस्ट्री में कर लेना केमिस्ट्री में भी तुम लोग क्लास इलेवेंथ केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर टू है तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम वहां पर वो ज्यादा रेलिवेंस रखता है यहाँ पर ज्यादा रेलिवेंस रखता नहीं है है ना एबजॉर्ब स्पेक्ट्रम एमिशन स्पेक्ट्रम तो वो तो सब एंडीसर करवा देंगे है ना अभी मैं अगर फिजिक्स में आऊँ तो ये सारी दिक्कतें थी हमारे कुछ राधा फोर्ड मॉडल के साथ तो अब फिर बाद में बोहर आए तो बोहर ने क्या किया बोहर ने बेसिकली राधा फोर्ड ने जो बातें नहीं बोली वो बोल दी कि जैसे कि डू यू ऑल रिमेम्बर मैंने तुम लोग हमारी जो पहली क्लास हुई थी ना एस आई यूनिट सिस्टम और एम के एस यूनिट सिस्टम मैंने तुम्हें बताया था तो मैंने तुम्हें बोला था कि पूरा का पूरा एम के एस यूनिट सिस्टम एस आई यूनिट सिस्टम में है लेकिन एस आई यूनिट सिस्टम एम के एस यूनिट सिस्टम में नहीं है सो एवरी थिंग देर इज़ इन दम के एस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ एस आई यूनिट सिस्टम सो वी कैन से दैट दी एस आई यूनिट सिस्टम इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एम के एस यूनिट सिस्टम सेम चीज़ यहाँ पर है कि जो रद फोर्ड ने बोला इन्होंने भी बोहर ने भी बोला लेकिन बोहर ने ज़्यादा बोला और ये मेरे पास आ गया इसीलिए बोला जाता है कि जो बोहर मॉडल ऑफ़ एटम है वो राधाफोर्ड्स रदरफोर्ड मॉडल ऑफ़ एटम का मॉडिफाइड वर्जन है ठीक है तो इन्होंने इनों इन्होंने जो तीन चीज़ें बोली एक बार मैं तुम्हें बता देती हूँ जो तीन चीज़ें इन्होंने ऐड की जो रदरफोर्ड ने बोला इन्होंने भी बोला लेकिन इन्होंने जिन जो तीन बेसिक एडिशंस किए जिसकी वजह से आ, इनकी आ, इनके मॉडल ऑफ एटम को बहुत ज़्यादा माना गया और बहुत टाइम तक ये डिस्कार्ड नहीं हुई तो उन्होंने पहली चीज़ ये बोले कि ये जो मेरे इलेक्ट्रॉन है ठीक है इलेक्ट्रॉन कभी भी अगर इस एक शेल में मूव करेंगे तो उसकी एनर्जी सेम होगी जो रदरफोर्ड ने नहीं बोला था तो उनकी जो वो स्टेबिलिटी ऑफ द एटम को नहीं डिफाइन कर पाए थे इसीलिए उनका मॉडल ऑफ एटम खारिज हो गया था ठीक है तो बोहर ने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी सेम रहेगी तो अब ये बात भी चलेगी मतलब अब मान लो कि इलेक्ट्रॉन जब भी एक ऑर्बिट में उसकी एनर्जी सेम रहेगी इन्हीं को फिक्स्ड एनर्जी शेल्स बोला जाता है इसीलिए जितने भी ऑर्बिट्स हैं उनको फिक्स्ड एनर्जी शेल्स बोला जाता है कि आप कहीं का भी हाइड्रोजन ले लो आप पानी के अंदर से हाइड्रोजन निकाल लो आप मीथेन के अंदर से हाइड्रोजन निकाल लो तुम किसी और मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन निकाल लो हर एक हाइड्रोजन आइटम के पहले शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी हो जाती है नेगेटिव थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट सो दिस इज फिक्स्ड एनर्जी शेल फिक्स्ड एनर्जी शेल का मतलब

तो हाउ एक्सप्लेन दिस तुम ये देखो राधा फोर्ड ने ये बोला कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो किसी भी रेडियस ऑफ द एटम में मतलब व्हाट व्हाट रेडियस ऑफ़ सर्कुलर ऑर्बिट कैन बी वटे बोहर ने बोला ऐसा नहीं होता बोहर ने बोला इलेक्ट्रॉन हाई क्लास है ठीक है इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ उस ऑर्बिट के अंदर स्टेबल होगा मतलब इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ उस ऑर्बिट में घूमेगा जहां पर उसका जो एंगुलर मोमेंटम है इट इज अ मल्टीपल ऑफ एच डिवाइडेड बाई टू अ मल्टीपल ऑफ एच पाई किसका मल्टीपल होल नंबर का मल्टीपल मतलब तुम समझ पा रहे हो यहाँ पर जो एन की वैल्यू है इस तरीके से फ्रैक्शन में नहीं हो सकती एन की जो वैल्यू है वो इस तरीके से डेसिमल्स में नहीं हो सकती एन की जो वैल्यू है इस तरीके से नेगेटिव में नहीं हो सकती ये जो एन की वैल्यू है या तो वन होगी या टू होगी या थ्री होगी या फोर होगी या फाइव होगी तो पहली चीज इन्होंने ये बोले कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में है उसकी एनर्जी वही रहेगी दूसरी चीज इन्होंने ये बोले कि इलेक्ट्रॉन ऐसे किसी भी ऑर्बिट में नहीं घूमता इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमेगा और उसी ऑर्बिट में स्टेबल होगा जहां पर उसका जो एंगुलर मोमेंटम है सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस के अबाउट एच डिवाइडेड बाई टू पाई का होल नंबर मल्टीपल है और तीसरी चीज इन्होंने ये बोली कि मेरे फर्स्ट पॉस्टुलेट को आप गलत मत समझिएगा मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिट में है तो कभी भी दूसरी ऑर्बिट में नहीं जा सकता मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन के एक इलेक्ट्रॉन कभी भी खुद से ठीक है या फिर आई कैन से मैं बस ये बोल रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन जब तक एक एटम में है एक पर्टिकुलर शेल में उसकी एनर्जी वही है अगर मानो वो एनर्जी लूज कर देता है मतलब और स्टेबल हो जाता है तो न्यूक्लियस के पास आ जाएगा अगर मानो उसको बाहर से हम लोग एनर्जी देते हैं अनस्टेबल न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा बहुत ही बेसिक बेसिक है। इसके ऊपर हम लोग बच्चों बात करने वाले हैं आ, 845 तक तो 845 तक बिल्कुल कोई डाउट मत पूछना आई प्रोमिस यू तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो गई मुझे पता भी नहीं है तुम्हें क्या डाउट आ रहे हैं ना मुझे पता करना है मैं बोलू सारे डाउट्स का आंसर होगा बिना तुम्हें बिना तुम्हारे मुझे बताए कि तुम्हें क्या डाउट है सुनते जाना ठीक है तो इन्होंने बोला कि मानो अगर इस तरीके से एक शेल फॉर एग्जाम्पल मानो दिस इज द्यूक्लियस अब ऑब्वियस ऑबियसली बात है जो इलेक्ट्रॉन है ये चीज तुम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो ना इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के पास उतना ज्यादा स्टेबल तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है ये वाली ऑर्बिट में वो मोस्ट स्टेबल होगा है ना अगर मैं इन तीनों के कंपेरिजन में बात करूं ये वाली ऑर्बिट में लीस्ट स्टेबल होगा तो इन्होंने क्या बोला इन्होंने बोला मानो अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है तो अगर मानो इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी लूज कर देता है जैसे कि थोड़ा सा और समझाने के लिए मानो यहाँ पर एनर्जी तीन जाऊल है यहाँ पर एनर्जी मान मान लो लो इस तरीके से आ, है पर है पर तो मैं कि अगर मानो इलेक्ट्रॉन पांच जाऊल की एनर्जी लूज कर दे मतलब पांच जाऊल से ज्यादा स्टेबल हो गया मतलब अब जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया तो इलेक्ट्रॉन लेस स्टेबल से मोर स्टेबल शेल में आया है ना देखो पांच जवल की एनर्जी को लूज करके तो यहां पर को फोटोन रिलीज हो जाएगा क्योंकि तुम देखो ना एनर्जी कैन कैन नाइदर बी बी क्रिएटेड तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि यार ये इलेक्ट्रॉन के पास जो पांच जवल की एनर्जी थी वो कहां गई क्योंकि पहले आठ जवल थी फिर तीन जाऊल हो गई कहां गई पांच जवल की एनर्जी डिस्ट्रॉय थोड़ी हुई फोटोन की फॉर्म में रिलीज हो गई और उसी तरीके से मानो अगर इलेक्ट्रॉन यहां से लेके यहां तक जाता

एनर्जी एक आटम की जब तक वो एक पर्टिकुलर शेल में है एक पर्टिकुलर एटम की सेम रहेगी इलेक्ट्रॉन जो है, और है, है जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम एच डिवाइडेड बाय टू पाई का होल नंबर मल्टीपल हो और केस अगर इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल तक जाता है तो उस ट्रांजिशन से एसोसिएटेड एक फोटोन होगा अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज हुई है तो जितनी एनर्जी डिक्रीज हुई है उतनी एनर्जी का फोटोन रिलीज हुआ होगा और अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो उसने खुद से नहीं इंक्रीज की है उसकी जितनी भी एनर्जी इंक्रीज हुई है उतनी एनर्जी का उसने फोटोन एब्जॉर्ब किया था दैट इज द रीजन उसकी एनर्जी में इंक्रीज आ गया और वो एक शेल से लेके दूसरे तक, शेल शेल तक तक चला गया दीज आर दुअल थिंग्स आर रिलेटेड टू रिलेटेडर मॉडल ऑफ एटम अब एक एक करके ना एट फोर्टी फाइव तक बोहर मॉडल ही चलेगा एट फोर्टी फाइव तक हम लोगों को यही सारी चीजें समझनी है इसी के अंदर आएगा सारी की सारी चीजें सो गिव मी फोर्टी फाइव और फिर देखो क्या चपता है तो सबसे पहले बच्चों ध्यान दीजिएगा इंटीग्रल मल्टीपल नहीं बोला है होल नंबर मल्टीपल बोला है ठीक है या तो इंटीजर मल्टीपल बोल लो

जैसे कि मैं तुम्हें बता दूं बच्चों कि जो बोहर मॉडल ऑफ एटम है इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं लिमिटेशंस क्या है इट इज ओनली वैलिड इट इज ओनली वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम कि सिर्फ और सिर्फ तुम लोग ध्यान से देखना ये सिर्फ और सिर्फ तुम लोग उन एटम्स के लिए डिफाइन कर सकते हो या बोहर मॉडल ऑफ एटम को तुम सिर्फ आ, बोहर मॉडल ऑफ एटम

एक इलेक्ट्रॉन होता है तो मान लो यही है वो इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव ई मान लो ये जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसके रेडियस की वैल्यू है आर नॉट ये जिस वेलोसिटी से घूम रहा है उसकी वैल्यू है वी है ना अब एक एक करके चीज़ें ध्यान दीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट अभी जो मैं बोलने वाली हूँ क्या मैं यहाँ पर बोल दूँ बच्चों और ये चीज़ केमिस्ट्री में भी तुम करते हो जैसे कि सन और प्लैनेट्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इन प्लैनेट्स को सेंटरपीटल फोर्स देता है ताकि वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर सके अर्थ और मून के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मून को सेंटरपीटल फोर्स प्रोवाइड करता है ताकि वो अर्थ के अराउंड घूम सके वैसे ही मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि एक न्यूक्लियस है और ऑर्बिट के अंदर एक एटम है तो कहना है इसे कि इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो रीजन बनता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से घूम सके एक न्यूक्लियस के अराउंड है ना तो क्या मैं बोल दू वट एवर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्योंकि मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है ना कि जो भी मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस वही वजह बनेगा सेंट्रीबिटल फोर्स की जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को मिल रहा है ताकि वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर सके तो मैं अभी हाइड्रोजन आइटम की बात कर रही करी जिसके न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटोन है और एक ऐसे हाइड्रोजन आइटम की बात कर रही करी जिसके एक शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेरे पास कितना हो गया वन बाय फोर पाइप साइलेंट नॉट है ना न्यूक्लियस uh, के माग्निट्यूड ऑफ चार्ज ई इलेक्ट्रॉन का माग्निट्यूड ऑफ चार्ज ई दोनों के बीच में डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई आर तो यहाँ पर आ गया आर का स्क्वायर देखो अगेन बच्चों ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर नहीं आते तो डेरिवेशन ऑब्वियस सी बात है अभी के लिए तो तुम्हें स्किप ही करना पड़ेगा यहाँ पर आगे तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ी सीखोगे डेरिवेशन स्किप कर दो अभी, अभी के लिए जब तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो जाए दोबारा से ये वाली स्लाइड खोल के देख लेना सो दिस इज दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज गोइंग टू प्रोवाइड देंट्रीपीटल फोर्स तो सेंट्रिपीटल फोर्स टू वॉट इलेक्ट्रॉन तो वो हो गया मेरे पास मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये मेरे पास आ गया वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर और ये मेरे पास आ गया रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है ना तो तुम क्या यहाँ पर देख पा रहे हो मैं यहाँ पर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी स्क्वायर निकाल पा रही हूँ विच इज बेसिकली के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जिसको भी रिपीट करना रहे ऑप्शन नंबर ये पॉइंट नंबर ए जो लिखा हुआ है पढ़ लो दोबारा से जो बोला है वो लिख दिया है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वही सेंटिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है तो मैंने ना यहाँ पर बिकॉज मैं किसकी काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहती हूँ मैं किसकी टोटल एनर्जी निकालना चाहती हूँ मैं कितनी किसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहती हूँ इलेक्ट्रॉन की तो तुम सोचो ना मुझे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो मुझे हाफ मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर चाहिए तो मैंने एम वी स्क्र निकाल लिया एक बार जब मैंने ये कर दिया ना मेरे लिए चीज़ें काफी आसान हो गई क्योंकि अब मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई कि देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हाफ एम वी स्क्वायर है तो ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास के ई स्क्तर बाय टू आर अब मानो बच्चों अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को निकालूं तो अभी पोटेंशियल एनर्जी को निकालना तुम लोग सीखते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड एन एनर्जी में कि अगर मानो मेरे पास एक नेगेटिव ई e चार्ज है और पॉजिटिव ई e चार्ज है जिन, जिनके बीच में डिस्टेंस है आर तो पोटेंशियल एनर्जी होगी वन बाय फोर बायोनोट एक के ऊपर जो चार्ज है दूसरे के ऊपर जो चार्ज है डिवाइडेड बाई द डिस्टेंस बिटवीन दम तो ये मेरे पास आ गया नेगेटिव के स्क्वायर बाय आर और अब ये ऑब्वियसली बात होगी कि अगर मानो मुझे टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो वो मेरे पास आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्लस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो ये वाली वैल्यू आ गई नेगेटिव के ई स्क्र बाय आर प्लस के ई स्क्तर बाय टू आर तो ये वाली वैल्यू आ गई नेगेटिव के ई स्क्र बाई टू आर वहां पर ये मैं तुम्हें डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रही हूँ Concept के पॉइंट ऑफ व्यू से बता हूं। जैसे कि ये सारे के सारे कंसेप्ट कि अगर एक इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट में है तो उस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स है वही उसको सेंटिबीटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है तो मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नेट्यूड ले लिया सेंटिबिटल फोर्स का मैगनीट्यूड ले लिया तो ये तो था कंसेप्ट लेकिन इस कंसेप्ट के इस्तेमाल से मैंने एम वी स्क्वायर निकाल लिया इलेक्ट्रॉन के लिए तो अब हाफ एम वी स्क्वायर करूं अगर इलेक्ट्रॉन का तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन कैपेसिटेंस एक का चार्ज है इतना दूसरे का चार्ज है इतना दोनों के बीच में डिस्टेंस है आर तो ये पोटेंशियल एनर्जी बचती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अगर मानो मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास टोटल एनर्जी आ जाती है अब देखने वाली बात देखो क्या है इसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी तो मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा बच्चों देखने वाली बात यह है कि अगर तुम लोगों ने ध्यान से देखा हो कि टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी है नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव के ई स्क्र बाई टू आर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मेरे पास है नेगेटिव के ई स्क्वायर बाय आर और उसी तरीके से टोटल दिस इज काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है इतनी टोटल एनर्जी की वैल्यू है इतनी मान लो मैंने कॉपी पेस्ट किया लास्ट वाली स्लाइड से ऑब्जर्व करने वाली बात है इसका रेशियो वेरी गुड वेरी गुड ऑब्जर्व करने वाला बात है रेशियो की मानो अगर ये वाली वैल्यू एक्स है तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव टू एक्स है तो अब तो ये मैं ऑलरेडी जानती हूँ कि टोटल एनर्जी हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी तो मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ कि आप देख पा रहे हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी एक्स है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव टू एक्स है तो टोटल एनर्जी नेगेटिव एक्स आ गई जो कि तुम लोग देख भी पा रहे हो वॉट इज दिस नेगेटिव एक्स के स्ट्रक्चर में है ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेविटेशन में भी आता है पर 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 भी यहां पर भी आता है वहां पर बस सैटेलाइट्स के बारे में बात कर रहे होंगे कि सैटेलाइट टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कितना रेशियो है या फिर पोटेंशियल एनर्जी और कैनेटिक एनर्जी में कितना रेशियो है जब एक सैटेलाइट ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं और सेम तरीके की चीजें आ रही हैं तो ये याद रखना है कि अगर काइनेटिक एनर्जी एक्स है पोटेंशियल एनर्जी इतनी हो जाएगी टोटल एनर्जी इतनी हो जाएगी अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ना जैसे कि दो हजार उन्नीस का क्वेश्चन देखना ठीक है तुम्हें कहीं लगे कि यहाँ से डिफिकल्ट क्वेश्चन बदते देखो दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हेल्प से करा दूंगी तो 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई एक इलेक्ट्रॉन है एटम में उसकी एनर्जी है टोटल एनर्जी उसकी टोटल एनर्जी है नेगेटिव 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो तुमसे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पूछा हुआ है तो अभी फिर दोबारा से डिड्यूस करो याद करो कि दी ने बोला था अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू एक्स है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव टू एक्स हो तो ऑब्वियस ही बात है टोटल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव एक्स हो जाएगी तो तुम यहाँ पर देख पा रहे हो टोटल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव थ्री पॉइंट फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है मतलब एक्स की वैल्यू थ्री पॉइंट फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई मतलब काइनेटिक एनर्जी मेरे पास आ गया पॉजिटिव थ्री पॉइंट फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल एनर्जी आ गया

लेकिन दैट इज़ नॉट हाउ वी डू फिजिक्स फिजिक्स के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए तो बिगेज ये डेरीवेशन बिल्कुल कंसेप्चुअल थी है ना बिगेज ये डेरीवेशन बहुत ही जेनवइन थी बिगेज ये डेरीवेशन उन कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड थी जिसके ऊपर बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये डेरीवेशन बता दें ईजी क्वेश्चन देखो एक और क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन है इन्होंने तो और हल्के में ले लिया इन्होंने तुम्हें बोला कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो एक ऑर्बिट में है इन एन हाइड्रोजन आटम तो दोबारा से दी ने बोला था अगर काइनेटिक एनर्जी एक्स है तो पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास नेगेटिव टू एक्स आ जाती है ऐड कर दूं तो टोटल एनर्जी मेरे पास नेगेटिव एक्स आ जाती है तो अभी अगर आप मुझसे रेशियो किसके बीच में पूछ रहे हैं एक तो काइनेटिक एनर्जी पहले काइनेटिक एनर्जी बोला हुआ है रेशियो है काइनेटिक एनर्जी के बीच में और टोटल एनर्जी के बीच में तो तुम देख पा रहे हो काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी कितनी आई एक्स बाई नेक्स वैल्यू कितनी आ गई माइनस वन बोल सकते इसको प्रॉपर टर्म्स में इसको वन बाय माइनस वन बोल सकते हो ऑप्शन नंबर बी कोई दिक्कत ये पहली ये पहला क्वेश्चन टाइप है जो तुम्हारा जो तुम्हें पता होना चाहिए बोहर मॉडल ऑफ एटम से एसोसिएटेड थ्री थाउजेंड हो गए लाइक्स बहुत कम लाइक्स है बच्चों ऐसा ना को चलेगा ठीक है फिर ठीक है सिर्फ तुम्हें नहीं डिमोटिवेशन होती है यार मुझे ही पता है मेरे लिए कितना मुश्किल है तुम ये देख लो कोई और टीचर कर रहा है तुम्हारे लिए इतना वाई डू आई से दिस अगेन एंड अगेन बिकॉज वट आई अ लॉट लॉट मोर देन टीचर इज एक्सपेक्टेड टू गिव जितना एक एक्सपेक्टेशन होती है ना जैसे अगर मैं सभी लाइव क्लासेस ले लूँ ना इतनी अच्छी और डीपीपी दे दूँ मैं तब भी अच्छी टीचर हूँ अच्छी इन देंस अफेक्टिव मैं तब भी अफेक्टिव टीचर हूँ

इतना ज्यादा शोर, इतना ज्यादा कंप्लेन फ्री प्लेटफॉर्म पे अस नॉट बी दिस अनग्रेटफुल एवरीवन, तुम्हारे टीचर्स चाहे तुम्हारे कोई भी टीचर क्लास ले रहा हो लाइक दी सेशन चाहे कोई भी टीचर क्लास ले रहा हो लाइक दी सेशन अगर तुम उन टीचर की हेल्प से अगर किसी भी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हो लाइक दी सेशन एक बटन दबाने में तुम्हारी तुम्हारा कुछ नहीं जाता बस उस टीचर को पता लग जाता है दैट वर्क इज बिंग अप्रिशिएटेड रोज पाँच बजे आता है गुड मॉर्निंग का मैसेज मेरे टेलीग्राम के ऊपर जब से सीरीज शुरू हुई है तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं पाँच बजे किसके लिए उठ रही हूँ तुमसे पैसे ले रही हूँ मैं इस चीज़ के तो मैं क्यों अपने दो घंटे की नींद कुर्बान कर रही हूँ फिर दो घंटे दो और आधे घंटे पर दे रही फिर दो घंटे लगाऊंगी तुम्हारे प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेशन सेशन की आ, सेशन को बनाने में फिर आठ घंटे तो लग गए लाइक तुमसे हो नहीं रहा है बताओ? सारी किया मुझे बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए अगर आप एक टीचर को फॉलो कर रहे हैं और अगर तुम महाप्रलय को फॉलो कर रहे हो तो कोई भी क्लास हो मुझे बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए सेशन को लाइक करो जाओ जाके तीन बजे वाले सेशन को लाइक करके आओ जाइए थैंक यू सो मच बोलने से नहीं होता वट विद योर वर्ड्स मानो मैं तुम्हें बोल दूँ यार बच्चों आई केयर अबाउट योर प्रिपरेशन अ लॉट और ना लू क्लासेस क्या करोगे फिर वट विल यू डू हाउ डज दिस हेल्प यू हाउ डज योर थैंक यू सो मच हेल्प यू मी

समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहती हूँ बहुत ही रियलिस्टिकली बोल रही हूँ बच्चों क्योंकि मैं हर बार नहीं बोल सकती ना ये फिर मुझे डीमोटिवेशन होगा क्लासेस रीस्केड होंगे है ना फिर एक हफ्ते में पांच की जगह चार सेशन आएंगे हफ्ते में चार प्रैक्टिस सेशन की जगह दो प्रैक्टिस सेशन आएंगे क्योंकि दिक्कतें तो अब भी आ रही हैं लेकिन अभी मोटिवेशन है कि भाड़ में जाए दिक्कतें दिक्कतें तब आएंगी मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं बचेगा कि क्यों बाढ़ में जाए दिक्कतें जब आ ही नहीं रहे हैं बच्चे फटाफट से लाइक करेंगे सेशन को सारे के सारे स्टूडेंट्स बिना बोले लाइक होना चाहिए दूसरे यूट्यूब चैनल पे क्या हो रहा है हमें नहीं पता हम हमारे यहाँ पर एक प्रथा बनाएंगे दिस इज द ट्रेडिशन दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन दिस यूट्यूब चैनल टीचर का सेशन आ चुका है लाइक कर दो अभी एनडी सर के रफ्तार के सेशन आए हैं जो जो बच्चा अटेंड कर रहा है बिना बोले लाइक करो सारे सेशन लाइक करो एक मिनट जाएगा तुम्हारा ठीक है और अब मैं हमारी आज की क्लास को बच्चों रिज्यूम करना चाहूंगी और कंटिन्यू करते हुए ठीक है तो ये अभी मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई जी ये देखो ये मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई कि इलेक्ट्रॉन की आइटम के अंदर कितनी एनर्जी होती है है कि नहीं अब मैं तुम्हें उनकी प्रॉपर्टीज बताने वाली हूँ कि सबसे पहले ना हम लोग एनर्जीज के बारे में बात कर लेते क्योंकि एनर्जी के बारे में ही ज्यादातर डिस्कशन हो रहा है तो अभी सब बच्चे पर पर ध्यान से देखेगा। बस नहीं 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 चाहिए, बताते समझ समझ आ आ रहा रहा है है, है, कि कि तक यही चलेगा, वगैरह, तो देखो यहां पर formula, इस formula का तुम्हें कोई derivation नहीं करना है। कि जो एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन की होती है एक एटम में एक पर्टिकुलर शेल में इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड का स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन का स्क्वायर जिसके लिए निमोनिक है, दो ना दो। है ना? गलती से भी मुझे ऐसा ठीक है लाइक करो ना करो तो ये मेरे पास आ जाएगा इज्जत दो ना दो ये निमोनिक है इनकेस अगर तुम्हें नहीं याद रहता है तो साइन ऑफ प्रपोशनैलिटी आएगा तो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रपोशनैलिटी साइन ऑफ प्रपोशनैलिटी जाएगा कॉन्स्टेंट ऑफ प्रपोशनलिटी आएगा वो जो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रपोशनैलिटी है गौर फरमाइएगा

एनर्जी निकाल सकते हो चाहे कोई भी आइटम हो जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो किसी भी शेल में हो तो तुम उसकी एनर्जी निकाल सकते हो तो तुम यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो एनर्जी है नेगेटिव आ रही है और होनी भी चाहिए जी ये जो टोटल एनर्जी मेरे पास नेगेटिव आ रही है इसका सिग्निफिकेंस क्या है इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से बंधा हुआ है ये तुम केमिस्ट्री uh, में भी करते हो दैट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टोटल एनर्जी बीइंग नेगेटिव इसका सिग्निफिकेंस ये आ जाता है दैट the इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू the न्यूक्लियस The इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू the न्यूक्लियस जिन बच्चों का ग्रेविटेशन चैप्टर हो चुका है ना तुम लोगों को साइनर्जी नजर आ रही होगी टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज नेगेटिव जब तक वो एस्केप नहीं करता है एक बार जब वो एस्केप कर जाता है उसके बाद टोटल एनर्जी पॉजिटिव हो सकती है क्यों क्योंकि जब तक सैटेलाइट एस्केप नहीं कर रहा है मतलब तब तक जो सैटेलाइट है प्लानेट के ग्रेविटेशन फोर्स के चुंगुल में है उसी तरीके से जब तक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के चुंग में है उसको नहीं छोड़ के जाएगा तब तक जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से बाउंड है तब तक जो उसकी टोटल एनर्जी है है नेगेटिव सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टोटल एनर्जी बीइंग नेगेटिव अब जान अब इसको ना अप्लाई करते हैं तो ये मैं हाइड्रोजन आइटम के लिए अप्लाई करने वाली हूँ बच्चों थोड़ा सा तुम लोगों को इस इक्वेशन से रूबरू कराती हूँ क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है तुम्हारी अगर मानो मैं पहले शेल की बात करूं तो पहले शेल के लिए मेरे पास कितना हो गया नेगेटिव थर्टीन पॉइंट सिक्स जेड का स्क्वायर वन का स्क्वायर शेल का स्क्वायर वन का स्क्वायर तो ये मेरे पास आ गया नेगेटिव थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब अभी दूसरे शेल के लिए बात करते हैं तो नेगेटिव थर्टीन पॉइंट सिक्स नेगेटिव थर्टीन पॉइंट सिक्स जेड का स्क्वायर जेड क्या होता है एटॉमिक नंबर एन होता है शेल नंबर तो ये मेरे पास हाइड्रोजन है तो एटॉमिक नंबर वन का स्क्वायर शेल नंबर है दो तो ये आ गया टू का स्क्वायर ये मेरे पास आ जाता है नेगेटिव थ्री पॉइंट फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब मैं और हायर शेल में जाऊँ मानो अगर मैं तीसरे शेल में जाऊं तो यहाँ पर एनर्जी होगी नेगेटिव थर्टीन पॉइंट सिक्स एटोमिक नंबर का स्क्वायर वन का स्क्वायर क्योंकि हाइड्रोजन आइटम है तीसरा शेल है तो यहाँ पर थ्री का स्क्वायर और ये मेरे पास आ गया नेगेटिव वन पॉइंट फिफ्टी वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब मानो अगर मैं चौथे शेल में जाऊं तो नेगेटिव थर्टीन पॉइंट सिक्स हाइड्रोजन आइटम है तो वन का स्क्वायर चौथा शेल है तो चार का स्क्वायर ये मेरे पास आ जाता है नेगेटिव जीरो पॉइंट एट फाइव आता है एक मिनट व्हाट इज थर्टीन पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाय सिक्सटीन व्हाट इज नेगेटिव थर्टीन डिवाइडेड बाय सिक्सटीन ठीक है हाँ ये जो मैं बोल रही थी नेगेटिव जीरो पॉइंट एटी फाइव है ना तुम समझ गए होगे अभी व्हाट बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू तो तुम देख पा रहे हो ये मैंने तुम्हें इक्वेशन तो दे दी लेकिन लेकिन इस इक्वेशन से रूबरू करवाना चाहती थी कि मानो अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली बात है वो एक शेल में होगा तो उसका शेल नंबर कितना है और वो इलेक्ट्रॉन जिस एटम में है उसका एटॉमिक नंबर कितना है अगर तुम्हें ये दोनों चीजें पता है तो तुम एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल इस तरीके से निकाल सकते हो जैसे अभी हम लोगों ने एक हाइड्रोजन आइटम के लिए हाइड्रोजन आइटम के जेड की वैल्यू होती है वन तो हाइड्रोजन आइटम के पहले शेल दूसरे शेल तीसरे शेल और चौथे शेल के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर एनर्जीज वगैरह निकाली है ठीक है एक बार जरा सा देख लो आई एम होपिंग इसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि जैसे जैसे तुम लोग शेल से दूर जा रहे हो बच्चों देखो जैसे जैसे तुम लोग शेल से दूर जा रहे हो जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है ऑल ऑफ यू मस्ट बी एबल टू सी दैट द एनर्जी इज बिकमिंग लेस नेगेटिव लेस नेगेटिव का मतलब इंक्रीज होना होता है तुम देख पा रहे हो कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज हो रही है इसका मतलब जो स्टेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की डिक्रीज हो रही है यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है देख पा रहे हैं सारे बच्चे ये एक बार मैं ज़रा सा दिखाना चाहती हूँ हाँ ग्राउंड हो गया नेगेटिव थर्टीन पॉइंट सिक्स वही तो मैंने तुम्हें बोला ना ये कॉन्सेंट ऑफ प्रमोशनैलिटी ई नॉट है सो वॉट डू यू थिंक इज ई नॉट ई नॉट वो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की जिसके लिए जेड की वैल्यू वन है और एन की वैल्यू वन है मतलब जो पहले शेल में है हाइड्रोजन आइटम के तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है तो तुम देख पा रहे हो जैसे जैसे मैं एन की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही हूँ ठीक है जैसे जैसे मैं एन की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही हूँ एनर्जी ऑफ़ द इलेक्ट्रॉन इज बिकमिंग लेस नगेटिव इट मींस इट इज इंक्रीजिंग इट मीन्स दैट द स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजिंग दूसरी चीज में भी तुम लोग ये भी देख पा रहे होगी जैसे जैसे मैं एन की वैल्यू को इंक्रीज कर रही हूँ ना एनर्जी डिफरेंस कम हो रहा है तुम देख पा रहे हो एनर्जी डिफरेंस कम हो रहा है जैसे कि देखो इसके बीच में एनर्जी डिफरेंस कितना है तो ये एनर्जी डिफरेंस आ गया मेरे पास टेन पॉइंट टू देखो ना टेन पॉइंट टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे है ना उसी तरीके से अगर तुम लोग यहाँ पर देखो वॉट इज थ्री पॉइंट फोर माइनस वन पॉइंट फिफ्टी वन अगर तुम लोग यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस को देखो तो यहाँ पर वन पॉइंट एटी नाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है है कि नहीं उसी तरीके से वट इज वन पॉइंट फाइव वन माइनस जीरो पॉइंट एटी फाइव ठीक है ये जरा सा देख लो तो तुम देख पा रहे हो कि जैसे जैसे एन की वैल्यू को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं आई एम बेसिकली सेविंग दी टाइम बच्चों और कुछ नहीं एन की वैल्यू को हम लोग जब इंक्रीज कर रहे हैं एनर्जी डिफरेंस कम हो रहा है दोनों के ऊपर क्वेश्चन देखे होंगे तुम लोगों के पास जो मर्जी मॉड्यूल है या फिर अगर तुमने जीवन में एटम्स चैप्टर को पढ़ के अगर कोई भी टेस्ट दिया ये क्वेश्चन तुमने डेफिनेटली देखा होगा N की वैल्यू को इंक्रीज करने से एनर्जी डिफरेंस के ऊपर कैसे फर्क पड़ता है और एनर्जी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है तो तुम देख पा रहे हो जैसे जैसे मैं इनकी वैल्यू को इंक्रीज कर रही हूँ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन दी शेल्स इज इंक्रीजिंग बट दी एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दी शेल्स इज डिक्रीजिंग कि यहाँ पर ह्यूज एनर्जी डिफरेंस है यहाँ पर उतना एनर्जी डिफरेंस नहीं है यहाँ पर और छोटा एनर्जी डिफरेंस है यहाँ पर और छोटा एनर्जी डिफरेंस है, एनर्जी है so ये दोनों क्वेश्चन है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो जैसे बच्चों ये अभी हम लोगों ने एनर्जीज वगैरह के बारे में किया है उसी तरीके से रेडियस आ जाता है तो सबसे पहले मैं मेन इक्वेशन लिखना चाहूंगी तो यहाँ पर प्रपोर्शनैलिटी देख लो क्योंकि दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि कितना रेडियस है या रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आएगा वैसे ही एनर्जी में या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा या फिर रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले सारी फिजिकल क्वांटिटीज कवर कर लेते हैं तो रेडियस ऑफ द एटम के लिए निमोनिक रनटूज है मेंटोस का भाई रनटूज ये देखो रेडियस ऑफ द एटम कुछ रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट इन एन एटम शेल नंबर और एटॉमिक नंबर के ऊपर ऐसे डिपेंड करता है जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा ये देख लो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ गया हां जी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ गया इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू होती है जीरो पॉइंट फिफ्टी थ्री आंस्रॉन्ग देखिए जीरो पॉइंट फिफ्टी थ्री अंक्रॉ जीरो मैं पी वाई क्यू की हेल्प से करा देती हूँ देख लो ये तुम्हारा दो हजार तेईस का ही क्वेश्चन है अब डिफिकल्ट आते हो तो डिफिकल्ट कराऊं आते नहीं है तो कैसे कराऊं ये देखना तो मैं बोला हुआ दैट द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना ठीक है विच इज बेसिकली आर नॉट बच्चों नॉट क्या था नॉट था हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी सो वॉट इज आर आर नॉट है हाइड्रोजन एटम के अंदर जो पहला शेल है उसका रेडियस तो इन्होंने दे दिया कि मतलब लेटेस्टिव uh, मतलब ना भी देते तो भी निकालना आना चाहिए था ठीक है लेकिन इन्होंने दे, दे दिया इन्होंने नॉट की वैल्यू ही दे दी और अब तुमसे यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कितना रेडियस होगा तीसरे ऑर्बिट के अंदर ऑफ हाइड्रोजन आइटम तो देखो ना मेरे पास आया ना रनटूस जी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड तो ये मेरे पास आया ना रनटूज सिर्फ तुम लोगों को क्या करना है सबस्टिट्यूट ही तो करना है 2023 का क्वेश्चन है और ये देखो 2023 का क्वेश्चन है आर नॉट की वैल्यू आ गई जीरो पॉइंट फिफ्टी थ्री इंटू टेन रेस टू पावर माइनस टेन कौन सा ऑर्बिट है देखो तीसरे ऑर्बिट के बारे में बात करें एन की वैल्यू तीन है तो यहाँ पर आ गया थ्री का स्क्वायर हाइड्रोजन आइटम की बात करें जेड की वैल्यू वन है तो डिवीजन में आ गया वन सो विच ऑफ द ऑप्शंस गिव्स मे दी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए कहीं तुम्हें लग रहा हो डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे ही वेलोसिटी है तो सबसे पहले निमोनिक से शुरू करते हैं तो यहाँ पर निमोनिक है वजन वजन v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द n तो ये अभी तक मैंने तुम्हें जो भी तीन चीजें बताई है एक एनर्जी बताई है एक रेडियस बताया एक वेलोसिटी बताया इसके ऊपर रेशियो बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जैसे कि देखो ये तुमसे डायरेक्टली पूछ लिया कि इस इस एटम के इतने शेल के अंदर बताओ कितना रेडियस है एग्जैक्ट भी पूछा जा सकता है जैसे यहाँ पर एग्जैक्ट पूछा गया था रेशियो भी पूछा जा सकता है तो ये तो हो गया मेरे पास प्रोपोर्शनैलिटी है ना क्या बोला मैंने यहाँ पर मेरे पास निमोनिक आ गया वजन अब साइन ऑफ प्रपोशनैलिटी जाएगा तो एक कॉन्स्टेंट ऑफ प्रपोशनैलिटी आएगा तो वो जो कॉन्सटेंट ऑफ प्रपोशनैलिटी है वो किसकी वेलोसिटी है वो एक ऐसी वेलोसिटी है एक ऐसे इलेक्ट्रॉन की जिसके लिए एन की वैल्यू वन है जेड की वैल्यू वन है मतलब ये जो मेरे पास वेलोसिटी है ये वेलोसिटी एक ऐसे इलेक्ट्रॉन की जो हाइड्रोजन आइटम के पहले शेल के अंदर प्रेजेंट है तो या तो इसकी वैल्यू को तुम लिख सकते हो टू पॉइंट टू इंटू टेन डेज टू पर सिक्स मीटर पर सेकेंड बाकी स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है बाकी ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है ऐसे समझ लो ये मेरे पास आ गया अब ये रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आएगा ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखना बच्चों ये दो हजार पंद्रह का क्वेश्चन है ठीक है तीसरे ऑर्बिट के बारे में बात हो रही है हीलियम न्यूक्लियस में तो मैं ये पूछा जा रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन ध्यान दीजिएगा स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट और क्या क्वेश्चन है प्लांट कॉन्स्टेंट की वैल्यू ये वैल्यू ये है? अरे भाई क्लास में कर तो लिया जो बच्चे बच्चा क्लास में नहीं करेगा वो डिराइव करेगा तुम क्यों डिराइव करोगे है ना बच्चों तुम क्यों डिराइव करोगे तुमने क्लास में कर तो लिया तुमने क्लास में वजन कर तो लिया तो अब तुम्हें सिर्फ सब्सटीट्यूट करने की तीसरे ऑर्बिट के बारे में बात हो रही है तो इनकी वैल्यू तीन है हीलियम हीलियम का एटॉमिक नंबर दो होता है हीलियम का एटॉमिक नंबर दो होता है तो जेड की वैल्यू आ गई दो तो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई वजन ये जरा सा देख लीजिए सब्सटीट्यूशन कीजिए ये आया टू पॉइंट टू इंटू टेन रेस पार सिक्स जेड की वैल्यू आ गई दो एन की वैल्यू आ गई तीन देखो नाउ वट आंसर गिव्स यू द करेक्ट वट ऑप्शन गिव्स यू द करेक्ट ऑप्शन निकाल लो देखो एक बार ठीक है इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं तो मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ तुम जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो ये एग्जैक्ट वैल्यू का क्वेश्चन है ये भी एग्जैक्ट वैल्यू का क्वेश्चन है रेशियो बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है जैसे कि देखो मैं तुम्हें यहीं पे एक रेशियो बेस्ड क्वेश्चन करा दूं ताकि तुम्हें पता लगे कि मानो बच्चों मैं तुम्हें ये क्वेश्चन करा दूं कि भाई जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन में ठीक है और जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है फोर्थ ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम पॉजिटिव में इसका रेशियो पूछा हुआ है कि मानो अगर इसका रेशियो कुछ है तो इसका रेशियो निकालो तो एग्जैक्ट वैल्यू के क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता दी सिर्फ सब्सटीट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है दूसरे तरीके के क्वेश्चन रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो तुम देखो ना इज्जत दो ना दो इज्जत दो ना दो सो आई कैन सेन बाई टू इट इज गोइंग टू बी गिवन बाय जेड वन बाई जेड टू का स्क्वायर और यहाँ पर आ गया एन टू बाय वन का स्क्वायर अब भी तो रेशियो बेस्ड में सब्सटीट्यूशन बेस्ड ही तो है तुम कौन से कंसेप्ट लगा रहे हो अब सब्सटीट्यूशन कीजिए बस सब्सटीट्यूशन में गलती मत करना जैसे कि जेड की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो जेड एटोमिक नंबर है हाइड्रोजन की बात करो हाइड्रोजन का एटोमिक नंबर वन है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरीलियम बेरीलियम का जो एटोमिक नंबर है वो चार है तो so, सब्सटीट्यूशन बस ठीक से करना यहाँ पर आया वन यहाँ पर आया फोर एन मेरा शेल नंबर है तो पहले वाले के लिए शेल नंबर है दो दूसरे वाले के लिए शेल नंबर है चार तो ये मेरे पास आ गया वन बाय फोर का स्क्वायर ये मेरे पास आ गया टू का स्क्वायर ये मेरे पास आ गया वन बाय सिक्सटीन मल्टीप्लाइड आ गया वन बाय तो प्रीवियस क्वेश्चन की हेल्प से मैंने तुम्हें बता दिया या एग्जैक्ट वैल्यू के क्वेश्चन आएंगे जैसे तुम 2023 में भी देख पा रहे हो या फिर तुमने 2015 में भी देखा एग्जैक्टली exactly पूछा गया था कि रेडियस की वैल्यू बताओ एक्जैक्टली exactly तुम लोगों से पूछा गया था वेलोसिटी की वैल्यू बताओ ठीक है या रेशियो बेस्ड आएंगे अब आगे जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं गौर फरमाइएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर बोलने वाली हूँ ध्यान दीजिएगा तो मैं तुम्हें बेसिकली यहाँ पर ये बोल रही थी उप्स आई डिलीटेड द रोंग स्लाइड कर लेना है यार ये बिलको वी इज इक्वल टू वी नॉट जेड बाई एन ठीक है वी नॉट टू पॉइंट टू इन टू टेन रेज टू पार सिक्स है एटोमिक नंबर की वैल्यू हीम के लिए दो है शेल नंबर तीन है गलती से वो स्लाइड डिलीट हो गई मैं कुछ और डिलीट कर देती हाँ सो वॉट आईव से ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं तो एनर्जी रेडियस और वेलोसिटी ये बच्चों तीन ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर रेशियो बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे कि एग्जैक्ट वैल्यू बताओ कितनी है और जितने भी क्वांटिटीज़ हैं ऑल अदर क्वांटिटीज़ जो मैं अभी आगे बताने वाली हूँ और जितने भी क्वांटिटीज़ हैं उसके ऊपर सिर्फ रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं क्योंकि बिल्कुल एप्लीकेशन हो गया एप्लीकेशन का एप्लीकेशन नहीं आता नीट में तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जो प्रपोशनैलिटी मेथड से सॉल्व होंगे तो प्रपोशनैलिटी मेथड देख लो है ना जैसे कि सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर टाइम पीरियड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंगुलर वेलॉसिटी फ्रीक्वेंसी इन सब की बात करूँ तो तुम देखो ना यार वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को कैसे कैसे लिखा जाएगा वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन को तुम लोग लिख दोगे पूरा का पूरा सरकम जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने कवर किया है डिवाइडेड बाय कितने टाइम पीरियड से तो तुम देख पा रहे हो कि जो टाइम पीरियड है एक इलेक्ट्रॉन का इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी हो चुका है मोशन इन 2d करवा चुके हो मैं तुम लोगों को सर्कुलर मोशन करा चुकी हूँ तो प्रोपोर्शनलिटी और सब सबकी निकालोगे तुम लोग इन सब के लिए निमोनिक दे दिया और सब के निकालो तो देखो अगर मैं रेडियस के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो रनटूज है वेलोसिटी के से बात करूँ तो वजन है तो तुम देख पा रहे हो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेल नंबर का क्यूब और एटॉमिक नंबर का स्क्वायर ये आ आगे देखो एक बार अगर मेरे पास टाइम पीरियड पता लगे तो फ्रीक्वेंसी वगैरह तो बता ही पाऊंगी कि फ्रीक्वेंसी इज वन डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड तो इसकी प्रपोर्शनैलिटी मेरे पास ये हो जाएगी ओमेगा इज टू बाई बाई टाइम पीरियड अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी टाइम पीरियड तो इसकी भी प्रपोर्शनैलिटी मेरे पास ही आ गई याद नहीं रखना है बाकी मेरे पास निमोनिक तीनों की तीनों इज्जत दो है ना पहले एनर्जी में था इज्जत दो ना दो यहाँ पर है तीनों की तीनों इज्जत दो तीनों के तीनो इज्जत दो है ना टाइम पीरियड इज वन बाई फ्रीक्वेंसी उसी तरीके से टाइम पीरियड इज टू बाई ओमेगा तो तुम देख पा रहे हो इनवर्स रिलेशनशिप है इनवर्स रिलेशनशिप है तो प्रोपोर्शनैलिटी इनवर्स हो गई याद नहीं रखना है निकलना आना चाहिए ठीक है उसी तरीके से फिर करंट आ जाता है कि मानो अगर मेरे पास इस तरीके से ये वाली ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो कुछ तो करंट प्रोड्यूस कर रहा होगा ना क्योंकि चार्ज का मोशन है है ना तो करंट मेरे पास क्या आ जाएगा यार चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम तो तुम देख पा रहे हो कि जो करंट है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड तो यहां पर भी प्रोपोर्शनलिटी आगे टाइम पीरियड का क्या था निमौने? तीनों के तीनों इज्जत दो तो उसका कर दिया ये आगे प्रोपोर्शनिटी देख लो थियरी नहीं करवा रही हूं अभी मैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बता रही क्वेश्चन कैसे कैसे प्रोपोशनलिटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं फिर मेरे पास आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड एट दी सेंटर ऑफ द एटम ये उस बच्चे को समझ आएगा ये वाला पॉइंट जिनका मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म हो चुका है जिनको अच्छे से पता है कि जब एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर का अरे करंट आता है जिसके रेडियस की वैल्यू है आर तो जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर के ऊपर प्रोड्यूस होती है उसकी वैल्यू आ जाती है i लेते हो तो तुम देख पा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर के ऊपर प्रोड्यूस हुई है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देंट इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस तो करंट की प्रोपोर्शनलिटी क्या है करंट की प्रपोर्शनिटी टाइम पीरियड से इनवर्स आ गई तीनों के तीनों इज्जत दो है ना और फिर रेडियस मेरे मेरे पास पास क्या आ गया? आ गया गया रेडियस तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रपोशनैलिटी ये आ रही है बेजती से नाच इसके लिए निमोनिक मैंने क्या बनाया है बेजती से नाच तो ये सारे क्वेश्चन टाइप्स है बेजती से नाच यहां पर है इज्जत दो नहीं तो करंट पड़ेगा इज्जत दो नहीं तो इज्जत दो नहीं तो करंट करंट पड़ेगा करिंट पड़ेगा तो मैंने तुम्हें डायरेक्ट वैल्यू के क्वेश्चंस भी करा दिए रेशियो बेस्ड भी क्वेश्चंस करवा दिए बिल्कुल वैसे इनके ऊपर भी पूछे जा सकते हैं सो लेट मी गिव यू अ क्विक रिकैप ऑफ पता नहीं आज इसको क्या हो रहा है लेट मी गिव यू क्विक रिकैप ऑफ ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज दैट वी हैव डन टिल नाउ कि इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन अगर एक एटम में है जिसके एटॉमिक नंबर की वैल्यू है जेड है ना एक ऐसे शेल में है जिसके शेल नंबर की वैल्यू है एन तो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज जो इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड हैं जिनके बारे में तुम लोगों को पता होना चाहिए तो सबसे पहले आ गया एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड का स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन का स्क्वायर निमोनिक है इज्जत दो ना दो इसकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए वैल्यू भी निकालनी आनी चाहिए रेशियो भी निकालना आना चाहिए फिर रेडियस व्हाट इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट जो एंथ शेल से एसोसिएटेड है एक ऐसे एटम में जिसका एटॉमिक नंबर है निमोनिक है अगेन वैल्यू बेस्ड बेस्ड क्वेश्चन क्वेश्चन भी भी रेशियो फिर एक इलेक्ट्रॉन की फिलोसिटी ऐसे ऑर्बिट में जिसके शेल नंबर की वैल्यू इतनी है जो एक ऐसे एटम में है जिसके एटॉमिक नंबर की वैल्यू इतनी है तो निमोनिक आ गया मेरे पास वजन है ना वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन मतलब रेशियो बेस्ड क्वेश्चन भी आता है और एग्जैक्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आता है है ना और जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके उनसे एसोसिएटेड जैसे कि टाइम पीरियड तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को मैं ऐसे बोल दूंगी कि कितना डिस्टेंस कवर किया है? एक चक्कर में डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा है एक चक्कर को कंप्लीट करने में तो यही होता है ना टाइम पीरियड कितना टाइम लग रहा है एक न्यूक्लियस uh, के अराउंड पूरा का पूरा एक गोला खत्म करने में तो मैं देख पा रही हूँ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस रंटूस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी तो वजन तो ये आ गया मेरे पास तीनों के तीनों इज्जत दो बाकी इ निकालना मैंने तुम्हें सिखा दिया नेक्स्ट आ जाता है करंट जो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा एक ऑर्बिट में सो तो ऑबवियसली बात इट इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड इट विल बी व्हाट इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड तो ये आ गया निमोनिक भी है कि ए ए जत दो नहीं तो करंट पड़ेगा कि निमोनिक ही तुम्हें बता दे कि निमोनिक किसका है फिर एक मेरे पास ये बहुत अच्छा है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रोड्यूस होगी सेंटर ऑफ द एटम के ऊपर अगर वो एक ऐसे ऑर्बिट में घूम रहा है जो एक ऐसे शेल में है जिसका शेल नंबर है एन एक ऐसे आटम में है जिसके एटोमिक नंबर की वैल्यू है जेड तो यहाँ पर निमोनिक है बेजती से नाच है ना बेजती से नाच नाच पाँच ये तो और सबके ऊपर डायरेक्ट वैल्यू क्वेश्चंस आते हैं और रेशियो बेस्ड आते हैं है ना लेकिन इनके ऊपर नहीं आते एनर्जी पे वैल्यू बेस्ड आएगा वेलोसिटी पे बेस रेडियस पे पे वैल्यू वैल्यू बेस्ड 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 आएगा 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 रेडियस और और सब पे सिर्फ और सिर्फ ठीक है अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि अभी मानो अगर मैं एनर्जी पे वापस आ जाऊँ क्योंकि एनर्जी हमारा कोर बेसिस है तुम देखो अगर मानो मैं एनर्जी के ऊपर वापस आ जाऊं और अब मैं तुम्हें तीसरे पॉस्टुलेट को एक्सप्लेन करूं जैसे कि ये देखना मुझे अच्छे से पता है कि हाइड्रोजन आइटम की मैं बात कर रही हूँ तो पहले शेल में जो एनर्जी है इट इज़ नेगेटिव थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूसरे शेल में है नेगेटिव थ्री पॉइंट फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट अभी निकालना सिखाया तो अभी मैं एग्जैक्टली exactly लिख सकती हूँ है ना तो यहाँ पर नेगेटिव वन पॉइंट फिफ्टी वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इधर मेरे पास आ जाता है नेगेटिव जीरो पॉइंट एटी फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना अभी हम लोगों ने किया है सो so वी इसमें कोई दिक्कत नहीं है हम अब इसमें नहीं कतराएंगे कि किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिट में कितनी एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की नाउ वी आर नॉट ट्राइंग टू डिफाइन द वी डिड दैट नाउ वी वी वॉन्ट टू टॉक अबाउट द चेंज इन द एनर्जी दैट फॉर एग्जाम्पल मानो बच्चों अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से लेके यहाँ तक जंप कर रहा है देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जंप कर रहा है तो ऑब्वियसली है तुम देखो ना उसकी एनर्जी में इंक्रीज आया है ना उसकी एनर्जी में इंक्रीज आया कि नहीं आया उसकी एनर्जी में इंक्रीज आया है तो मैं बोल रही रूं जितना भी एनर्जी में इंक्रीज आया है बस इतनी ही एनर्जी का फोटोन रिलीज हो जाएगा इतनी एनर्जी का जो फोटोन है रिलीज हो जाएगा सॉरी इतनी फोटोन जितनी भी एनर्जी यहाँ पर इंक्रीज हुई है सॉरी तो इलेक्ट्रॉन कभी भी एनर्जी अपने खुद से इंक्रीज नहीं कराएगा ये इंक्रीज इसीलिए हुआ है क्योंकि इसने एक फोटोन को एब्जॉर्ब किया है क्योंकि इसने क्या किया है एक फोटोन को एब्जॉर्ब किया है जिसकी उतनी ही एनर्जी है जितनी एनर्जी इंक्रीज हुई है इस इलेक्ट्रॉन की जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मानो अगर इलेक्ट्रॉन की छह जाउल की एनर्जी इंक्रीज हुई है तो खुद से नहीं कराई है इसने दैट इज बिकॉज इसने यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया था एक ऐसा फोटोन जिसकी एनर्जी छः जाउल थी दिस इज वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट उसी तरीके से मानो आपकी बार अगर मैं तुम्हें बोलूँगी जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है यहाँ से लेके यहाँ तक जंप कर रहा है दो ही तरीके से हो सकता है या तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा सकता है या न्यूक्लियस के पास आ सकता है तो अभी तुम यहाँ पर देख पा रहे हो एनर्जी कम हो रही है ना तुम नेगेट, नेगेटिव वन से नेगेटिव तक आ रहे हो तो यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है यहां पर एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो कहा गई एनरजी? है एनर्जी एनर्जी डिस्ट्रॉय तो कभी भी नहीं होती तो कहाँ गई ये एनर्जी ये एनर्जी रिलीज हो गई ये एनर्जी रिलीज हो गई यहाँ पर जो फोटोन है वो रिलीज हो गया ध्यान से देखिएगा यहाँ पर जो पोटोन है वो रिलीज हो गया जिसकी उतनी ही एनर्जी है जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की डिक्रीज हुई थी दिस इज दर्ड पॉस्टुलेट पहला पोस्टलेट बात करता है कि सर्कुलर ऑर्बिट है जिसके अंदर जिसके अंदर जो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है सेम रहेगा उस एनर्जी का रेशियो बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं हमने वो भी जान लिया एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोगों ने वो भी जान लिया ये देखो एग्जैक्ट वैल्यूज ये तो हम लोगों ने निकाली थी अब मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में चेंज के बारे में बात करना चाहती हूँ अब मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट में उसके बारे में नहीं बात करना चाहती अब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स के बीच में मूव कर रहे हैं उस मोशन के बारे में बात करना चाहती हूँ तो इसको ना मतलब इतना ज्यादा अगर तुम्हें अपने दिमाग पे लोड नहीं डालना है ना तो सिर्फ ऐसा सोचो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर क्यों जाएगा न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है क्यों जाएगा खुद से कभी नहीं जाएगा तो अगर मानो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है और अपनी एनर्जी बढ़ा रहा है दस जाऊल से दैट इज बिकॉज इसने जरूर एक दस जाऊल के फोटोन को एब्जॉर्ब किया और वैसे ही अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पास आता है तो ऑब्वि बात है अब वो ज्यादा स्टेबल हो गया है एनर्जी उसकी कम हो गई तो कहाँ गई वो एनर्जी मानो अगर वो यहां से लेके यहां तक आता है और उसकी दस जाऊल की एनर्जी कम हो जाती है कहाँ गई वो दस जाऊल की एनर्जी तो वो फोटोन की फॉर्म में रिलीज हो गई सो लेट अस कीप थिंग्स वेरी सिंपल कि जब इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट तक जाएगा खुद से कभी नहीं जाएगा उसने जरूर से एक को एब्जॉर्ब किया होगा जिसकी उतनी एनर्जी है जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है इंक्रीज हुई है अब एनर्जी ऑफ द फोटोन को उसकी फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में या फिर वेवलेंथ में कैसे लिखा जाता है डुअल नेचर हुआ था वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट तक आता है न्यूक्लियस के पास आता है तो उसकी एनर्जी कम हुई है वो फोटोन को रिलीज कर देगा उस फोटोन की उतनी ही एनर्जी होगी जितना एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन का कम हुआ है दिस इज दर्ड पॉस्टिलेट लेट मी गिव यू टू न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन दिस ताकि तुम्हें लगे कि दी लेकिन ये तो बहुत ईजी है और मैं तुम्हें बोल सही बात है और देखो फिर ये हमारा खत्म फिर आगे हमारी बालमेर इक्वेशन और स्पेक्ट्रल सीरीज हो जाएगा लेकिन बोहर खत्म हो जाएगा हमारा फिर हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांजेशन के बारे में बात कर रहे होंगे जैसे कि मनु मैं तुम्हें ये बोलूँ कि भाई मेरे पास ना एक हीलियम पॉजिटिव का आयन है और इलेक्ट्रॉन पहले शेल से तीसरे शेल तक जा रहा है तो तुमसे ना यहाँ पर देखो ये भी नहीं पूछा हुआ कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है तुमसे यहाँ पर ये पूछा हुआ है इज द फुटोन देखना तुमसे सबसे पहले यहाँ पर ये पूछा हुआ है इज द फोटोन रिलीज और एब्सॉर्ब बात है खूब क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रैक्टिस करेंगे हम लोग सेशन में लेकिन इतने से भी काफी समझ आना चाहिए कि फोटोन जो रिलीज हो रहा है या फिर हो रहा है? Photon, जो हो, रहा है या हो रहा है तो तुम पहले यही देखोगे ना पहले कितनी एनर्जी थी बाद में कितनी एनर्जी थी अगर तुमसे कभी भी फॉर एग्जाम्पल चेंज इन मार्क्स पूछा जाए तो पहले तुम यही तो देखोगे कि पहले कितने मार्क्स थे बाद में कितने मार्क्स थे तो एनर्जी निकालो सबसे पहले इनिशियल एनर्जी निकालो तो इनिशियल एनर्जी होगी ई नॉट विच इज नेगेटिव थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड का स्क्वायर हीलियम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आ गया टू का स्क्वायर पहले है वो फर्स्ट शेल में तो ये मेरे पास आ गया फोर ई नॉट ई नॉट की वैल्यू को मैं लास्ट में सब्सटीट्यूट करूंगी अपनी कैल्कुलेशन को ईजी करने के लिए है ना अब अगर मानू मैं फाइनल एनर्जी की बात करूँ तो फाइनल एनर्जी हो गया ई नॉट जेड का स्क्वायर हाइड्रोज हीलियम है तो यहां पर मेरे पास आ गया टू का स्क्वायर अब की बार आ गया तीसरे शेल में तो ये मेरे पास आ गया तीन का स्क्वायर तो ये मेरे पास बना फोर ई नॉट बाई नाइन तो तुम देखो ना जी तो तुम देखो ना ये पहले शेल से लेके तीसरे शेल तक जा रहा है इलेक्ट्रॉन क्यों जाएगा यार न्यूक्लियस से दूर इलेक्ट्रॉन क्यों जाएगा न्यूक्लियस से दूर? ये देखो कितना है दिस इज़ टाइम्स ऑफ़ नेगेटिव सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये मेरे पास है टाइम्स ऑफ़ नेगेटिव क्यों अपनी एनर्जी बढ़ाएगा जरूर से यहां पर फोटोन एब्जॉर्ब हुआ होगा हुआ

तो मेरे पास जो बड़ी वाली वैल्यू है एनर्जी की बात है थर्ड वाले शेल में है तो ये मेरे पास आ गया 4 volt, छोटी 4 देख पा रहे हां जी एक बार जरा से देखिए तो ये मेरे पास आ जाता है थर्टी टू डिड बाय नाइन टाइम्स ऑफ नेगेटिव थर्टीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोई दिक्कत की बात तो नहीं फटाफट से देख लो ये आ गया मेरे पास इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं तो इतना मेरे पास एनर्जी ऑफ द फोटोन क्या हो रहा है इतना एनर्जी ऑफ द फोटोन एब्जॉर्ब हो रहा है अब वेवलेंथ की बात अगर मैं करूँ ना तो वो क्वेश्चन फिर इस चैप्टर का नहीं बचता ये जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का नहीं है एटम्स के चैप्टर का नहीं है डुबल नेचर का है तो बताया नहीं तुम्हारी टीचर ने कि जो वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में आती है कि वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी है ना ये देखो वन टू फोर जीरो जीरो डिवाइडेड बाई यहाँ पर एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सब्सटीट्यूट कर दो है ना मुझे तो सिर्फ यहाँ पर मैग्नेट्यूड निकालना था सॉरी यहाँ पर ये यह माइनस नहीं बचता सॉरी माइनस नहीं बचता इसको सॉल्व करने के बाद सीधा थर्टीन पॉइंट सिक्स आता है कैलकुलेट कर सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है ये देखो तो एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सब्सटीट्यूट कर दो कर देती हूँ थर्टी टू बोला हुआ इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है देखो ना क्वेश्चन तो ये भी है ना ये भी क्वेश्चन नहीं है थे कि कितने एनर्जी का फोटोन रिलीज होगा दैट इज नॉट थियोरी थे फोटोन रिलीज होगा की एब्जॉर्ब होगा और क्यों किस बेसिस के ऊपर आप अपने आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हैं दैट इज दी दैट इज द तो मैंने देखा यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहे इलेक्ट्रॉन खुद से कभी नहीं आया होगा इलेक्ट्रॉन ने डेफिनेटली एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होगा तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है इट इज़ बाद में कितने एनर्जी है माइनस पहले कितने एनर्जी है मतलब जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है जो एनर्जी ऑफ द फोटोन है वो बड़ी वाली वैल्यू माइनस छोटी वाली वैल्यू मुझे अच्छे से पता है यहाँ पर एनर्जी बड़ा होगा यहाँ पर एनर्जी छोटा होगा तो इसकी एनर्जी माइनस इसकी एनर्जी कर दे ये वाली वैल्यू आ जाती है और आंसर आ गया अब मैं ऐसा करती हूँ एक और क्वेश्चन करवाती हूँ क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ज्यादा चीजें जाती नहीं है अगर एक ही बार चीजें बताई गई हो और मेरे साथ भी सेम सिनारियो है कोई भी स्टूडेंट होता तो ऑब्वियस सी बात थी जैसे कि मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन कराऊँ मानो मैं तुम्हें बोलूँ इसके अंदर देखना बिकॉज मैंने कल ही डुअल नेचर कराया ना इसीलिए मैं थोड़ा सा खेल सकती हूँ कंसेप्ट के साथ देखो मैं यहाँ पर एटम्स और डुअल नेचर को मैंने पूरा का पूरा रिलेट कर दिया बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन आइटम में दूसरे शेल से पहले शेल तक जंप कर रहा है और अब जो फोटोन रिलीज होगा वो एक ऐसे मेटल के ऊपर जाके गिरता है जिसके वर्क फंक्शन की वैल्यू है इतनी तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है जेई लेवल का क्वेश्चन है ये बट दिस दिस इज नॉट डिफिकल्ट कभी भी तुम लोग स्टेटमेंट्स में ना देख पाओ ना बच्चों तो हमेशा डायग्राम में आंसर खोजना जैसे कि मानो इसके वर्क फंक्शन की वैल्यू है तीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ से फोटोन इसके ऊपर फोटोन गिरेगा इसके ऊपर फोटोन गिरेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसी इलेक्ट्रॉन के स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू पूछी हुई है तो तुम्हें इसकी काइनेटिक एनर्जी चाहिए ना तो तुम देखो ना सबसे पहले कितनी एनर्जी का फोटोन गिरा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल से पहले शेल तक आ रहा है तो दूसरे शेल के अंदर जो मेरे पास एनर्जी थी वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है पहले शेल में जो एनर्जी है नेगेटिव थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तुम खुद देख लो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजिंग बाय टेन पॉइंट टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या आप देख पा रहे हैं कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन में जो डिक्रीज आया है वो टेन पॉइंट टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है तो कहाँ गया ये टेन पॉइंट टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इतनी एनर्जी का जो फोटोन है वो एमिट होगा सो वॉट इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन एमिटेड टेन पॉइंट टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो यहाँ पर जो फोटोन आएगा उसकी एनर्जी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो अगर एक ऐसा फोटोन है जिसकी एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर वो एक ऐसे मेटल के ऊपर गिरता है जिसका वर्क फंक्शन है थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ऑब्वियस बात है काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी ये वाले इलेक्ट्रॉन की इसको कितनी एनर्जी मिली माइनस कितनी एनर्जी चली गई मेटल से बाहर निकलने के लिए सेवन पॉइंट टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आ गई नेगेटिव सेवन पॉइंट टू वोल्ट, दिस इज अ जे लेवल क्वेश्चन लेकिन क्या तुम्हें डिफिकल्ट लगा दिलचस्प और डिफिकल्ट में दिन रात का डिफरेंस है दिलचस्प है लेकिन क्या ये डिफिकल्ट है देखिएगा एक बार ये मैं तुम्हें बोल रही हूँ ये है सारे के सारे कंसेप्ट जो एनर्जी की ट्रांजिशन से एसोसिएटेड है देखो एनर्जी की ट्रांजिशन से एसोसिएटेड है ठीक है कि भाई अगर मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक जंप करता है तो इलेक्ट्रॉन जब इस शेल में है तब तो इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब इस शेल में इतनी एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से डिक्रीज हो रही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मतलब इतनी एनर्जी का फोटोन निकला होगा तो वो फोटोन ही एक मेटल के ऊपर जाके गिरता है जिसका वर्क फंक्शन इतना है तो अब ये मेटल एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है तो जिसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव सेवन पॉइंट टू वोल्ट बनेगा ठीक है जी देख लीजिए आई एम होपिंग दिस इज क्लियर अब मैं ना तुम लोगों को बस एक मॉडिफाइड वर्जन दे रही हूँ जैसे कि तुम देखो यहाँ पर हम लोगों ने वेव लेंथ ऑफ द फोटोन निकाला था कोई हम लोगों ने बल में रिक्वेशन नहीं लगाई नहीं लगाई ना मैंने तुम्हें बताया कौन सा मेरे पास आ, एक मिनट मैंने तुम लोगों को बताया कौन सा आइटम है कौन से शेल से कौन से शेल तक इलेक्ट्रॉन आ रहा है है ना और हम लोगों ने वो उस ट्रांजिशन से एसोसिएटेड जो फोटोन है उसकी वेवलेंथ निकाली लेकिन देखो कितना टाइम कंज्यूमिंग था कितना बड़ा प्रोसेस था ये हमारे लिए कि पहले इनिशियल एनर्जी निकाला फिर फाइनल एनर्जी निकाला फिर एनर्जी डिफरेंस निकाला उस एनर्जी डिफरेंस की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैंने फिर ये वाले फॉर्मूला में जब सब्सटीट्यूट की तब वेवलेंथ की वैल्यू मेरे पास एंगस्ट्रॉम में आई तो मैं तुम्हें ये बता रही हूँ फार्मूला इंडिपेंडेंस मुझे में इक्वेशन की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी वेवलेंथ ऑफ़ द फोटोन को निकालने के लिए मैं बस बोल रही हूँ जिसके एटॉमिक नंबर की वैल्यू है और एक इलेक्ट्रॉन एन वन से एन टू तक जा रहा है या फिर एन टू से एन वन तक जा ठीक है इलेक्ट्रॉन का ट्रांजेक्शन एन वन से एन टू तक हो रहा है मुझे नहीं पता इज़ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दी फुटॉन होगा ये वाले फॉर्मूला से आता है तो अब तुरंत आएगा ये देखो कि अगर मेरे पास आ गया वन डिवाइडेड बाई द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इट इज इक्वल टू आर आर की वैल्यू वन जीरो नाइन सिक्स सेवन सेवन पुट करोगे तो वेवलेंथ की वैल्यू सेंटीमीटर्स में आ जाएगी ऑब्वियसली बात है ये वाली वैल्यू मुझे पॉजिटिव चाहिए तो ये वाली वैल्यू को बड़ा करना पड़ेगा तो एन वन की वैल्यू हमेशा छोटी होगी अगर दो से लेके चार तक जा रहे है चाहे चार से लेके दो तक आ रहे हैं यहाँ पर दो रखोगे क्योंकि वेवलेंथ तुम लोग नेगेटिव में नहीं निकाल रहे हो वेवलेंथ की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए तो वेवलेंथ की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए ये वाली वैल्यू तब बड़ी होगी जब एन वन की वैल्यू छोटी है तो अगर चाहे वो पांच से लेके दस तक जा रहा हो या दस से लेके पांच तक आ रहा हो यहाँ पर हमेशा पांच आएगा यहाँ पर हमेशा दस आएगा तो बिल्कुल न्यू सब्स्टिट्यूशन से आंसर आ जाएगा है ना तो बालमेर इक्वेशन के बिना भी हम लोगों ने वेवलेंथ ऑफ द फोटोन निकाला है

छोटे एन की वैल्यू को यहाँ पर रखें बड़े एन की वैल्यू को यहाँ पर रखें जहां पर भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजेक्शन हो रहा है उसके जेड की वैल्यू को अगर आप यहाँ पर रखते हैं है ना तो वेवलेंथ की वैल्यू सेंटीमीटर में आ जाएगी अगर आप इसको वन जीरो नाइन सिक्स सेवन सेवन रखते हैं सेंटीमीटर में आगे तो मीटर में कन्वर्ट करना बड़ी बात नहीं है नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज ऐसे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं। हमेशा रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आते बट व्हाट्स एवर एक बार इसके बारे में बात करते हैं ठीक है तो अब मैं किसी भी शेल से लेके किसी भी शेल तक दे ये वाली वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं जैसे कि देखो अगर सबसे पहले बच्चों मैं एन तो वन शेल की बात करूं। ध्यान देना अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ अगर मानू मैं फर्स्ट शेल की बात करूँ तो फर्स्ट शेल से एसोसिएटेड तुम देखो बच्चों कितने सारे ट्रांजेक्शन हो सकते हैं गौर फरमाइएगा हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं <स्य> हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं और हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से इन्फिनिटी तक भी जा सकते हैं मानते हैं सब बच्चे सब बच्चे मानते हैं ये वाले इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन कराऊंगी ढूंढ टी लाइक ट्रस्ट माई प्रोसेस क्या मैं बोल दूं कि हमें इतना समझ आ चुका है कि अभी आप चाहे हमसे किसी भी शेल में किसी भी एटम में एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन पूछ लें या फिर जब एक शेल से दूसरे शेल तक जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं कितना एनर्जी में डिफरेंस आता है आप चाहे हमसे वो पूछ लें अब मैं तुम्हें बोलू एक बार जब ये मैथमेटिकल थोड़ा सा हमें पता लग चुका है अब थोड़ा सा और कंसेप्चुअल चलते हैं अगर मैं N से एसोसिएटेड कितने ट्रांजेशन हो सकते हैं तो पहली लाइन ये बनाओगे दूसरी लाइन ये बनाओगे और लास्ट लाइन ये बनाओगे है ना वैसे ही अभी मानो बच्चों अगर मैं तुम्हें कि भाई एन इज इक्वल टू टू से हो सकते हैं कुछ बच्चे सोच होंगे कि यार दी ये वाला टॉपिक ये व्हाट इज दिस टॉपिक तो देखो दो से पहली दो से दूसरी से तीसरी दूसरी से चौथी दूसरी से पांचवी दूसरी से छठी दूसरी से इन्फिनेटी यही ट्रांजेक्शन पॉसिबल है यही ट्रांजिशंस पॉसिबल है अब मानो अगर मैं तुम्हें मैं कि भाई बताओ यहाँ पर कितने ट्रांजेक्शन पॉसिबल हैं अगर आप n इज इक्वल टू थ्री को स्कोप में रखते हैं तो तुम बोलोगे कि दी देखो ना तीन से चार तक जा सकता है तीन से पांच तक जा सकता है तीन से छः तक तीन से सात तक तीन से आठ तक तीन से इन्फिनिटी तक बिल्कुल सही बात होगी अब मानो बच्चों में तुम्हें बोलूं कि अच्छा ये तो तुमने बिल्कुल सही बात बोली अब जरा सा बताइए कितने ट्रांजेक्शन पॉसिबल है एन इज इक्वल टू फोर से तो तुम बोलोगे कि दी ये भी आपने इजी सवाल पूछ लिए है फोर से फाइव तक जा सकता है फाइव से सिक्स तक जा सकता है फाइव से सॉरी uh, फोर से फाइव तक जा सकता है फोर से सिक्स तक जा सकता है फोर से सेवन तक जा सकता है फोर से इनफिनिटी तक जा सकता है बहुत सारी लाइन बन जाएंगी है ना पहली लाइन ये बन रही है दूसरी लाइन ये बन रही है लास्ट लाइन इन्फिनिटी वाली हो गई और अब मानो आखिरी सवाल अगर मैं तुमसे ये पूछू जी आखिरी सवाल अगर मैं तुमसे ये पूछू कितने ट्रांजिशंस कौन कौन से ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रॉन के पांचवे शेल और हायर शेल से एसोसिएटेड हो सकते हैं तो तुम बोलोगे यार दी क्या क्वेश्चन है पांच से छ तक चला जाएगा पांच से सात तक चला जाएगा पांच से आठ तक चला जाएगा पांच से इन्फिनिटी तक चला जाएगा कुछ नया तो नहीं बताया मैंने तुम्हें यही है ना एम सेंग इज कैन एवरी वन एग्री टू दिस जितनी भी यहाँ पर लाइन्स मैंने बनाई है सबसे एसोसिएटेड अलग एनर्जी डिफरेंस है सबसे एसोसिएटेड एनर्जी डिफरेंस अलग है है ना? तो सबसे असोसिएटेड जो फोटोन की वेवलेंथ होगी वो भी अलग है यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन मैंने जितने भी लाइंस बनाई है अगर ऐसे ट्रांजिशन वो शो करता है, है ना तो उनसे एसोसिएटेड एनर्जी डिफरेंट है उनसे एसोसिएटेड वेवलेंथ डिफरेंट है कलेक्शन ऑफ वेवलेंथ को स्पेक्ट्रल सीरीज़ बोला जाता है कि जितने भी कलेक्शन ऑफ वेवलेंथ को मतलब अगर मानो जितनी भी वेवलेंथ एसोसिएटेड है जब पहले शेल से हायर शेल तक मेरा इलेक्ट्रॉन जाए तो उस सारी कलेक्शन ऑफ वेवलेंथ को लाइमन सीरीज बोला जाता है जैसे कि तुम देखो ना चार सौ और सात सौ के बीच के बीच में जितना भी कलेक्शन ऑफ वेवलेंथ है उसको विजिबल रीजन बोला जाता है ही मैं तुम्हें बोल रही हूँ जितने भी वेवलेंस, N 1 से हायर शेल तक जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शो करे तो जितने भी वेवलेंट्स आते हैं वो सारी की सारी कलेक्शन ऑफ वेवलेंट्स को लाइमन सीरीज बोला जाता है तो स्पेक्ट्रल सीरीज़ कोई नया टॉपिक नहीं है इंग्लिश का नाम है वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ उसी तरीके से जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस ध्यान दीजिएगा जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन एन इज इक्वल टू टू से हायर शेल से एसोसिएटेड उसमें जितनी भी वेवल आती है दैट कलेक्शन ऑफ द इज नोन एज सीरीज वैसे ही N से लेके हायर शेल तक जितने भी ट्रांजिशन uh, आती है उससे एसोसिएटेड जितने भी फोटोन की वेवलेंथ है दैट कलेक्शन ऑफ वेवलेंथ इज नोन एज पाश्चन सीरीज वैसे ही एन इज इक्वल टू फोर से हायर तक जाऊं ब्रैकेट सीरीज N to, uh, N 5 से हायर तक जाऊं फंड सीरीज़ इसके आगे नहीं करना है ये है स्पेक्ट्रल सीरीज़ तो ये मैंने तुम्हें नया टॉपिक थोड़ी कराया मैंने तुम्हें बताया ये इंग्लिश टर्मिनोलॉजी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजेक्शन जब जो इलेक्ट्रॉन है पहले शेल से हायर शेल तक जाएगा जितने भी वेवलेंस हो सकती हैं उन कलेक्शन ऑफ वेवलेंस को लाइमन सीरीज बोला जाता है टू से हायर बालमेर सीरीज थ्री से हायर पाश्चन सीरीज फोर से हायर ब्रैकेट सीरीज फाइव से हायर पी फंड सीरीज दिस इज दंसेप्ट तो अब मानो मैं फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन थर्ड लाइन लास्ट लाइन की बात करूं तुम चक्रा जाओगे कि लाइमन की फर्स्ट लाइन हो गई देखना लाइमन की फर्स्ट लाइन हो गई जब इलेक्ट्रॉन एक से दो तक जाए दूसरी लाइन होगी जब एक से तीन तक जाए तीसरी लाइन होगी जब एक से चार तक जाए चौथी लाइन होगी जब एक से इन्फिनिटी तक जाए बालमहर की पहली हमफ्री वगैरह नहीं करना सिर्फ इतना करना है ठीक है बालमहर की पहली लाइन होगी जब दो से तीन तक जाए दूसरी लाइन दो से चार तक जाए तीसरी लाइन दो से पांच तक जाए आखिरी लाइन दो से इन्फिनिटी तक जाए की पहली पहली लाइन हो जाएगी तीन से चार तक का ट्रांजेक्शन दूसरा तीन से पांच तक का ट्रांजेक्शन होगा चार से पांच के बीच में दूसरा हो जाएगा चार से छ तक तीसरा हो जाएगा चार से सात तक आखिरी हो जाएगा चार से इन्फिनिटी तक पीफन पांच से शुरू हो रहा है तो पहली लाइन हो जाएगी पांच से छ तक दूसरी लाइन हो जाएगी पांच से सात तक ठीक है तीसरी लाइन हो जाएगी पांच से आठ तक आखिरी लाइन हो जाएगी अगर तो जा डायग्राम ही करा रही थी जब मैं देखो ये लाइमन का डायग्राम बना रही थी तो मैंने डेटो ये बोला था ये देखो लाइमन की पहली लाइन ये दूसरी लाइन ये आखिरी लाइन कि नहीं एक बार जरा सा देखिए अब मैं तुम लोगों को यहाँ पर क्या बोल रही हूँ अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि लाइमन सीरीज के अंदर बच्चों जितने भी वेवलेंट्स आती है ना वो यूवी रीजन में लाइक करती है ध्यान देना वो यूवी रीजन में लाइक करती है बालमेर से एसोसिएटेड जो वेवलेंस है वो विजिबल रीजन में लाई करती हैं ये याद रखना है और यहाँ से एसोसिएटेड जितने भी अ, अ, मेरे पास वेवलेंस हैं वो इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है कि बच्चे इसको याद तो रख लेते हैं उनको समझ नहीं आता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइमन सीरीज लाइंग इन द यूवी रीजन so now you know a series is a collection of wavelengths so all the wavelengths that you can see whenever the electron transition is associated with first shell and the higher shell that wavelength is always lying in the ultraviolet region ठीक है balmer का visible region आ गया और उसी तरीके से जो bracket है उसका infrared region आ गया ठीक है अब मैं ना एक बार पिछली वाली slide के ऊपर जाना चाहूँगी और तुमसे एक बात पूछना चाहूँगी किसी भी एक सीरीज को ले लो तुम्हारी मर्जी है तुम किसी भी सीरीज को ले लो मान लो मैं बालमेर सीरीज को ले लूँ तो अभी हमें अच्छे से पता है बालमेर की ये पहली लाइन है बालमेर की ये दूसरी लाइन है बालमेर की ये तीसरी लाइन है बालमेर की ये चौथी लाइन है और फिर अल्टीमेटली बालमेर की ये लास्ट लाइन आ जाती है तो मैं तुम्हें बोलूँ अगर मैं तुम्हें बोलूँ इन लाइन्स को कंपेयर कर तो कौन सी लाइन से एसोसिएटेड मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस होगा और कौन सी लाइन से एसोसिएटेड मिनिमम एनर्जी डिफरेंस होगा तो बात है, इन सारी में, है। देखो ना मिनिमम एनर्जी एसोसिएटेड है लाइमन को लेते हैं तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ लाइमन में भी सेम चीज ही तो है कि मिनिमम एनर्जी डिफरेंस यहाँ पर है टेन पॉइंट टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस यहाँ पर है थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्योंकि इन्फिनिटी के ऊपर एनर्जी जीरो होती है तो जीरो और नेगेटिव थर्टीन पॉइंट सिक्स में कितने का डिफरेंस है थर्टीन पॉइंट सिक्स सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि जितने भी लाइंस है इज एवरीवन एबल टू सी कि यहाँ पर हमारे स्पेक्ट्रल सीरीज में जितने भी लाइंस हैं तो जो मिनिमम एनर्जी uh, जो जिस लाइन से एसोसिएटेड है वो हमारी पहली लाइन है हाँ जी ये जो हमारी पहली लाइन है पहली लाइन से एसोसिएटेड जो एनर्जी डिफरेंस है मिनिमम होगा मतलब यहाँ पर जो एनर्जी ऑफ द फोटोन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इसका मतलब जो एनर्जी ऑफ द फोटोन है मिनिमम होगा एनर्जी ऑफ द फोटोन मिनिमम होगा मतलब उससे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ है मैक्सिमम होगी मतलब इससे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ है वो सबसे बड़ी होगी सबसे लंबी होगी वैसे अगर मैं आखिरी लाइन की बात करूं तो किसी भी स्पेक्ट्रल सीरीज के लिए जो आखिरी लाइन होगी ना वो मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस से एसोसिएटेड होगी तो मतलब वहां पर जो फोटोन एसोसिएटेड होगा उसकी एनर्जी होगी मैक्सिमम इसका मतलब आई कैन से उससे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होगी वो होगी मिनिमम मतलब ये ट्रांजिशन एसोसिएटेड होगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ से ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं क्योंकि अभी मैं तुम्हें चार पीवाईक्यूज की हेल्प से ये करवाने वाली हूं एक बार देख लीजिए फटाफट से मैंने यहां पर क्या बोला है कि चाहे तुम किसी भी सीरीज की बात करो अभी मैं यहाँ पर ना तो ब्लू को ग्रीन से कंपेयर कर रही हूँ ना मैं ग्रीन को ऑरेंज से ना मैं ऑरेंज को येलो से कंपेयर कर रही हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट वन सीरीज दैट देर आर मल्टीपल लाइन एसोसिएटेड विद वन सीरीज सो इफ़ आई हैव टूस इफ आई हैव टू रिलेट ऑल दोज लाइन्स विच लाइन इज एसोसिएटेड विद द मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस एंड दिस विच लाइन इज एसोसिएटेड विद द मिनिमम एनर्जी डिफरेंस प्लीज़ इन दोनों को ना कंपेयर करें प्लीज़ इन दोनों को ना कंपेयर करें

ये मैंने कुछ टर्मिनोलॉजीज बताई है और मैं क्वेश्चन तुम लोगों को कराती हूँ कॉन्फिडेंस बढ़े जैसे कि देखो दो क्वेश्चन पूछा गया था देखिए सिर्फ सब्सिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन रेशियो बेस्ड 2016 का क्वेश्चन है ये है कि अगर रिडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू है इतना पर मीटर मतलब अगर आप टेन रेसूपर सेवन डाल दें तो वेवलेंथ की वैल्यू मीटर में आ जाएगी तो तुमसे पूछा हुआ व्हाट इज द वेव नंबर ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ द दालमेर सीरीज

है ना हम लोग हाइड्रोजन आइटम की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन आइटम में ये वाली वैल्यू भी आ गई वन तो ये मेरे पास बना टेन रेस टू पार सेवन यहाँ पर आया वन बाय फोर यहाँ पर आया वन सो दिस इज बेसिकली टेन डिवाइडेड बाई फोर इंटू टेन रेस टू पार सिक्स पर मीटर तो ये वाली वैल्यू आगे कितने जीरो पॉइंट ये वाली वैल्यू आगे टू पॉइंट फाइव ये देखो ये वाली वैल्यू आगे टू पॉइंट फाइव इंटू टेन रेस टू पार सिक्स पर मीटर है ना विच इज जीरो पॉइंट ट्वेंटी फाइव इंटू टेस्ट पर सेवन पर मीटर ये मैं बोल रही हूँ अभी मैं तुम्हें तीन और क्वेश्चन कराऊंगा और कॉन्फिडेंस आएगा जितना भी हमने किया उसका क्वेश्चन करवा रही हूँ पी वाई क्यूज की हेल्प से जैसे कि ये देखो ये बच्चों दो हजार तेईस का क्वेश्चन है बिल्कुल रिसेंट ईयर का तुम्हें सिर्फ डी कोर्ड करना है सब्सटी करना बहुत ईजी है तो तुम्हें बोलोगे की हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है और तुम्हें बोला होगा कि जो सबसे छोटी वेवलेंथ बालमेर से एसोसिएटेड है वो है तो बताओ कितनी होगी वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो ब्रैकेट से एसोसिएटेड है तो दो सिचुएशंस दी हुई है दोनों सिचुएशंस को बच्चों डिफाइन कीजिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बालमेर सीरीज की तो तुम्हें डी करना है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस दो और इन्फिनिटी के बीच में मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस है तो वन बाय लेमडा की वैल्यू आ गई आर यहाँ पर आ गया वन बाय टू का स्क्वायर यहाँ पर आ गया वन बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर कि दो से इन्फिनिटी के बीच में सब्स्टिट्यूशन है मैम ए होगा ठीक है अब यहाँ पर मेरे पास ये आ गया अब मेरे पास आ गया शॉर्टेस्ट वेवलेंथ देखिए अब मेरे पास आ से असोसियेटे. तो का का मतलब का मतलब लाइमन बाल में ब्रैकेट ब्रैकेट की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ब्रैकेट से एसोसिएटेड मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस चार और इन्फिनिटी के बीच में तो ये मेरे पास आया वन बाय लेमडा वन इट इज इक्वल टू आर यहां पर आया वन बाय फोर का स्क्वायर माइनस वन बाई इन्फिनिटी का स्क्वाइन कर दिया तो रिलेट करना बड़ी बात नहीं है तुम देखो ना मेरे पास अगर इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं रिलेट करने के लिए तो यहाँ पर आ रहा है 4, यहां पर आ रहा है 16, तो ये मेरे पास आया लेमडा टू बाई लेट इज इक्वल टू फोर तो लेमडा टू की वैल्यू आ गई फोर टाइम्स ऑफ लेमडा वन तो जो वेवलेंथ दूसरी वाली मेरी ब्रैकेट सीरीज से एसोसिएटेड है टाइम्स ऑफ ऑप्शन ऑप्शन नंबर थर्ड गिव्स यू द करेक्ट ऐसे बोल रही हो है ना इजी है ना देखो इसलिए मैंने सोचा एक बार पूरा का पूरा खत्म कराती हूँ फिर क्वेश्चन करवा दूंगी पी वाई की हेल्प से ये देखो दो क्वेश्चन कराए अब तीसरा क्वेश्चन तुम्हें और ईजी लगेगा देखना जैसे बच्चों दो हजार सोलह का क्वेश्चन है दो हजार सोलह के क्वेश्चन पेपर को अच्छा माना गया है, देखते हैं कितना अच्छा है ये तो यहां पर बोला हुआ है कि जब हाइड्रोजन आइटम में इलेक्ट्रॉन तीसरे से दूसरे ऑर्बिट तक आता है ना, है। ना, वेवलेंथ ऑफ़ तो अगर मानो वो चौथे से तीसरे ऑर्बिट तक आए तो कितना वेवलेंथ होगा? अजीब हाल है आओ, करते हैं। मैं बता define, तो करते हैं, दूसरे से तीसरे शेल के बीच में ट्रांजिशन है, है मेरे पास ले तो मैंने तुम्हें बता दिया जब भी तुम वन बाय एन वन का स्क्वायर माइनस वन बाय एन टू का स्क्वायर करते हो एन वन हमेशा छोटा रखना तो ये आ गया रिडवर्स कॉन्स्टेंट छोटी वैल्यू आ गई यहाँ पर दो बड़ी वैल्यू आ गई मेरे पास तीन हाइड्रोजन आइटम में हो रहा है तो वन का स्क्वायर क्योंकि हाइड्रोजन का एटोमिक नंबर वन है अब दूसरी सिचुएशन को डिफाइन करूंगी चौथे और तीसरे शेल के बीच में ट्रांजिशन है वेवलेंथ को यहाँ पर लेमडा वन ले लो सो वन बाय छोटे वाले शेल का स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई का स्क्वायर जिस आइटम में हो रहा है उसके अटोमिक नंबर का स्क्वायर जब हम डिफाइन कर पा रहे हैं रिलेट करना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है तो ये मेरे पास कितना आया मेरे पास आया वन बाय लेमडा नौ चार नौ चार का मतलब फाइव नाइन डिवाइडेड बाई थर्टी सिक्स और ये मेरे पास कितना आया देखना ये मेरे पास कितना आया सोलह नौ सोलह और नौ तो ये मेरे पास आया सेवन आर डिवाइडेड बाय वन फोर्टी फोर डिवाइड कर सकते हो अभी इसको हाँ जी एक बार जरा से देख लीजिए अब इसको डिवाइड कर सकते हो सोलह और नौ ही है ना सोलह और नौ सात हाँ बिल्कुल ठीक है ठीक है दैट इज इट डिवाइड कर दो रिलेट करने के लिए तो मेरे पास आया बाय 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 इट इज इक्वल टू फाइव आर बाय बाय डिवाइडेड बाई थर्टीडेड बाई से तो तुम्हारे पास आया आयाडा डैश बाय लेमडा इट इज इक्वल टू वन फोर फोर मल्टीप्लाइड बाई फाइव डिवाइडेड बाय थर्टी सिक्स मल्टीप्लाइड बाई सेवन अब देखो अगर मैं बारह से डिवाइड कर दूँ तो ये मेरे पास तीन आता है ठीक है ये मेरे पास ग्यारह आ जाते हैं सॉरी बारह आ जाते हैं है ना तो और उसी तरीके से ये मेरे पास चार आ जाता है ये मेरे पास आ गया ट्वेंटी बाय सेवन तो तुम देख पा रहे हो लेमडा वन की वैल्यू आ गई ट्वेंटी बाई सेवन टाइम्स ऑफ लेमडा आई एम होपिंग जितना मैं क्वेश्चन कर रही हूँ उतना तुम्हें ईजी लग रहा है तुम्हारे सामने तीसरी बार मैंने इक्वेशन लगा दी तो मैंने सोचा पीवाई क्यूज की हेल्प से लगा देते हो ना ताकि तुम्हारा तुम्हें ये पता लगे कितना ईजी है ये टॉपिक पीवाई क्यूज की हेल्प से अब देख लो ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा दो हजार सत्रह का क्वेश्चन है और भी क्वेश्चन है लेकिन मैं चार क्वेश्चन लेके आई हूँ सारे ने लिखे एक जैसे कि 2017 में देखना तुमसे पूछा होगा व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ बालमेर सीरीज एंड द लास्ट लाइन ऑफ दी लाइमन सीरीज अरे भाई मैं रिलेट कर दूंगी अगर मैं डिफाइन कर पा रही हूं तो मैं डिफाइन करूंगी सबसे पहले लास्ट लाइन ऑफ बालमेर सीरीज को लेमडा वन मानो तो डी करना है तुम्हें लास्ट लाइन बालमेर सीरीज बालमेर सीरीज मतलब एन इज इक्वल टू टू एन इज इक्वल टू टू से लास्ट लाइन का मतलब दो से इन्फिनेटी

तो मेरे पास आ गया वन बाई लेमडा टू इट इज रेड बॉक्स कॉन्सेंट वन बाय छोटे वाले एन का स्क्वायर माइनस वन बाय बड़े वाले एन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक हाइड्रोजन आटम में ले रही हूँ डिवाइड करना क्या बड़ी बात है इट इज इक्वल टू पर आया आर यहाँ पर आया वन बाय फोर सो लेमडा टू बाई लेमडा वन की वैल्यू आ गई वन बाई फोर लेकिन क्या हमसे ये पूछा हुआ है नहीं हमसे ये नहीं पूछा हुआ हमसे पूछा हुआ है लैम्डा वन बाय लैम्डा टू पहले बालमेर की बात हो रही है फिर लाइमन की बात हो रही है तो मुझसे पूछा हुआ है लैम्डा वन बाय लैम्डा टू तो वो हुआ फोर बाय वन ऑप्शन नंबर बी गिव्स में भी करेक्ट ऑप्शन इजी लगा ये अब तो मैं समझ आया क्यों मैं पहले ही बालमेर में इक्वेशन दिखा के क्वेश्चंस नहीं करा रही थी क्योंकि अल्टीमेटली करवाने ही थे ना बाल इक्वेशन के साथ ही स्पेक्ट्रल सीरीज लिंक करके ऐसे क्वेश्चन आते हैं फटाफट से लाइक like कर देंगे सारे के सारे बच्चे इस सेशन को अगर चीजें क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है और जैसे ही बच्चों मैंने तुम लोगों को बताया है कि हमारा तीन बजे एक डेडिकेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा जिसके अंदर हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन करेंगे एवरी वन विल लाइक दिस सेशन फटाफट वेटिंग फटाफट से सब बच्चे सेशन को लाइक like कर दो और ये है हमारा देखो पीवाई क्यूज हो गए हमारे मैंने अब यही सोचा है कि मकैनिक्स में करना बहुत मुश्किल है क्योंकि मकैनिक्स इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग लेकिन उसके अलावा ऐसे जो यूनिट्स है ना इनमें मैं पीवाई क्यूज के साथ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी कि बच्चे को लगे प्रा कि अभी तो तीन बजे वाला प्रैक्टिस सेशन ही नहीं हुआ है फिर भी हमारे पीवाई क्यूज हो गए तो ऐसी भी कौन सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके आएगी तीन बजे वाले सेशंस की हेल्प से क्योंकि अभी तो तीन बजे वाले सेशन भी नहीं हुए हुँ? देख लो खत्म अब दो छोटे छोटे सब टॉपिक्स है वो खत्म करा देती हूँ मुझे लगा था दो घंटे में चैप्टर खत्म हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ दो और आधे घंटे का तो मेरा आ, मेरा टाइम रहता ही है है ना दो घंटे में नहीं खत्म हुआ मुझे लगा छोटा सा चैप्टर है हो जाएगा है ना लेकिन दो छोटू छोटू से टॉपिक्स हैं इसको खत्म कर लेते हैं ठीक है बिल्कुल शुरू होते ही खत्म हो जाएंगे

दोज आर स्पेक्ट्रल लाइन्स ठीक है तो अभी देखो इसके ऊपर क्वेश्चन ये क्वेश्चन टाइप है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स पूछा जाता है तो देखो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स का फॉर्मूला है मेरे पास बड़े वाले शेल का नंबर माइनस छोटे वाले शेल का नंबर फिर सेम चीज में एक बार प्लस वन कर दो और फिर डिवीजन में टू ले आओ कोई डेरीवेशन वगैरह तुम्हें याद नहीं रखनी है ये एक्जैक्ट फॉर्मूला तुम लोगों को याद रखना है कि अगर मानो किसी भी शेल से किसी भी शेल तक ट्रांजेक्शन हो रही हो जहां पर एन टू की वैल्यू एन वन से बड़ी हो ना मैं ये बोल रही हूँ वन इनिशियल है ना मैं ये बोल रही हूँ वन फाइनल है मैं बोलूँ बोल किसी भी शेल से लेके किसी भी शेल तक ट्रांजेक्शन हो रही हो अगर एन टू की वैल्यू बड़ी है तो ये वाले फॉर्मूला की हेल्प से तुम लोग नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकाल सकते हो ठीक है इन सारी की सारी स्पेक्ट्रल लाइन से एसोसिएटेड एनर्जी डिफरेंस अलग होना चाहिए इन सारी की सारी स्पेक्ट्रल लाइन से एसोसिएटेड जो हमारे पास वेवलेंथ है वो अलग होनी चाहिए जो मैं ऑलरेडी जिसके बारे में मैं बात कर चुकी हूँ जैसे की मानो मैं तुम लोगों को यहाँ पर ये क्वेश्चन दू मैं यहीं पर क्वेश्चन दे दू कि भाई अगर मानो एक इलेक्ट्रॉन फिफ्थ शेल से लेके फर्स्ट शेल तक आ रहा है तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ वट आर दंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन एसोसिएटेड कितने तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एसोसिएटेड हो गए तो सिंपल जाएगा प्लस वन डिवीजन में टू तो ये मेरे पास आ गया फोर मल्टीप्लाइड बाई फाइव डिवाइडेड बाई टू मेरे पास कितना टेन स्पेक्ट्राइन्स ठीक है तो इस तरीके से आई एम होपिंग दैट क्लियर दैट एवरी स्पेक्ट्रल लाइन डिफरेंट एनर्जी अगर आप बोल रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हें बोलूँ है या ऐसे आ सकता है तो तुम इन दोनों को एक स्पेक्ट्रल लाइन मानोगे क्योंकि दोनों की सेम एनर्जी है तुम तो इन दोनों को एक स्पेक्ट्रल लाइन मानोगे क्योंकि इन दोनों की सेम एनर्जी है बोलना बस ये जाते हो हर स्पेक्ट्रल लाइन की एक अलग एनर्जी होती है तो अगर तुम्हें टोटल स्पेक्ट्रल लाइन निकालनी हो

तो ऑब्वियस ही बात है उससे एसोसिएटेड कुछ डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी और उसी तरीके से उस शेल का कुछ रेडियस होगा कंसेप्ट यहाँ पर ही है और ये याद रखने वाली बात है वी डोंट हैव टू टॉक अबाउट हाउ और द डेरिवेशन और वॉट सो एवर यू नीड टू रिमेंबर दिस कि किसी भी शेल का जो सर्कम होता है विच इज टू पाई आर एन इट इज गोइंग टू बी गिवन बाय वॉट इज द नंबर ऑफ द शेल

वो दो बार आएगी और दूसरे शेल के सरकमफ्रेंस की हो जाएगी जैसे कि यहाँ पर देखना डायग्राम से ज्यादा समझ आएगा जैसे अगर मान लो मैं पहले शेल की बात करूं, तो पहले शेल से एसोसिएटेड जो डी डीब्रोकली वेवलेंथ है वो एक बार आएगी और सरकम शेल के इक्वल टू हो जाएगी वेर ऑब्वियसली बात है दिस इज द द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट तो तुम देख पा रहे हो ये आ गया क्रेस्ट और फिर ये आ गया ट्रफ दूसरे शेल में जाऊ तो दूसरे शेल से एसोसिएटेड जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है ना ये दो बार आएगी ताकि ये circumference of the second shell के इक्वल टू हो सके जैसे कि तुम पर देखो यहाँ से से शुरू तो ये होगी मेरे मेरे पास पास एक एक और उसी तरीके खुले से एसोसिएटेड जो ब्रोगली वेव है एक इलेक्ट्रॉन की तो वो डीप्रोगली वेव लेंथ जब तीन बार आएगी तब वो इक्वल टू होगा सर्कम फ्रेंड्स ऑफ द तब वो इक्वल होगा सरकमफेरेंस ऑफ द शेल से सरकमफेरेंस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट इट इज टू पाई मल्टीप्लाइड बाय द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट जैसे कि देखो ये आगे एक बार ये आगे दूसरी बार ये आगे तीसरी बार लेट मी रिपीट टू मोर टाइम्स चौथे शेल से एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेव है वो चार बार आएगी ताकि वो सरकमफेरेंस ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट को बना सके जैसे कि तुम देख लो पहली वाली फिर तुम देख लो दूसरी वाली फिर तुम देख लो तीसरी वाली फिर तुम देख लो चौथी वाली आखिरी रिपीटेशन पांचवी शेल से इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड जो डी ब्रोगली वेव है वो पांच बार आएगी ताकि वो ऑर्बिट और बना सके जैसे देख पा रहे हो पहली बार आई दूसरी बार आई तीसरी बार आई चौथी बार आई पांचवी बार आई

और जो हमारा तीन बजे वाला सेशन है बार बार नहीं बोलूंगी बच्चों देख लो सीरीज बंद कर दूंगी मैं सही बता रही हूं। दुखी होके सीरीज लेनी पड़ेगी लेकिन फिर है ना फिर पापा मम्मी बोलेंगे कि बेटा इट इज नॉट वर्थ इट और मैं बोलूंगी सही कह रहे हो पापा है ना तो तीन बजे वाला सेशन भी सब बच्चे लाइक कर देंगे और अपनी अटेंडेंस छोड़ जाना हैश पांचवा चैप्टर हम इस

क्लियर हो चुके हो इन कंसेप्ट में कॉन्फिडेंस आएगा जब हम क्वेश्चन करें